हेलो दोस्तों, एक्चुअली काफी नमस्ते। और मनीष जी कैसे हो आप? ठीक अच्छा, आप कैसे है, हैं? चलिए, काफी मैं दिनों भी बाद हम बढ़िया। लोग का प्लान चल रहा था आपके इस प्लेटफॉर्म पे लाइव आने का, फेसबुक लाइव, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से ही प्लान कर रहे थे। बट फाइनली थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और नीट का एग्जाम भी हो गया, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी इस तरह के लाइव का वेट कर रहे हैं, तो आज आपके हर क्वेश्चन का आंसर के लिए मैं तैयार हूँ। और प्लस देखते हैं बच्चों के भी क्वेश्चन क्या आते हैं उसको। तो सबसे पहले दोस्तों नमस्ते, और जो बच्चों ने कल नीट एग्जाम में अपियर हुआ उनकी सफलता के लिए हमारी अग्रिम शुभकामनाएं हैं। उम्मीद इसमें नहीं हारनी है क्योंकि सेट्स उतना ही है, लेकिन आपके पास कई ऑप्शंस हैं। मायूस मत होइए, कई न्यूज जो आ रहे हैं, तमिलनाडु से न्यूज आया कि एक लड़के ने सुसाइड कर लिया, इस तरह के कई न्यूज आ रहे हैं। इस तरह के अटेम्प्ट आप लोग मत कीजिए, और कोई एक एग्जाम आपकी सफलता और असफलता का पैमाना नहीं हो सकता है। तो हम लोग उसी सिलसिले में बातचीत करेंगे, आगे भी बातचीत करेंगे। आप अच्छे से रहें, आपने जो भी किया है आप विनर हो, ऑलरेडी विनर हो, क्योंकि सीट्स 100 1 लाख के आसपास ही हैं, 16 लाख बच्चे अपियर हो रहे हैं, तो उसमें जो सीट्स मिलेगा 1 लाख बच्चे को ही मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल हो, और छोटी छोटी मार्क्स से 0.1 0.5 मार्क्स से एडमिशन रुक जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि असफल हैं। आप भी सफलता के उतने ही हकदार हैं जितने की जिनका एडमिशन मिला। मनीष जी, एक दिन काफी काफी दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था कि बांग्लादेश के बारे में कई कंफ्यूजन हैं, कई कंसल्टेंट्स के वीडियो हैं जो कि पूरी डाउट क्लियर नहीं कर पाते हैं। कुछ छोटी छोटी चीजों को लेके उन्होंने 2 3 पॉइंट बना के पूरी वीडियो बना देते हैं, लेकिन बांग्लादेश का एक्चुअल जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन बच्चों के पास या पेरेंट्स के पास या जो भी जानने वाले हैं, समझने वाले हैं बांग्लादेश को, उनके पास तक नहीं पहुंच पाता है। तो एक्चुअली मैं तो लाइव और ये माइक कैमरा है सबसे काफी दूर रहता हूँ, लेकिन काफी रिक्वेस्ट के बाद मैंने सोचा कि इसको शुरू ही कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि उन लोगों को ही बुलाने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी कंट्री के स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशलाइज्ड उनका कोर एरिया है, वो जितने बेहतरीन तरीके से उस देश के एजुकेशन सिस्टम को या एमबीबीएस में एडमिशंस या एमबीबीएस के स्टैंडर्ड के बारे में बता सकते हैं। काफी जगहों से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, और आप इन सारी चीजों के लिए जब मुझे लिखना शुरू किए, मुझे मैसेज करना शुरू किए, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जितने भी सवाल हैं, जितने भी आपके डाउट्स हैं, उसके जो स्पेशलाइज जो कोर एरिया के जो लोग हैं, जो कंसर्न पर्सन है, उनको लाऊं और उनसे आपके सवालों का जवाब मांगूं, और कोशिश करूं और जस्टिफाई कर सकूं कि आपके जितने सवाल थे वो सवाल के जवाब हम लोग जेन्युइनली दे पाए या नहीं दे पाए वो आप तय कर पाएंगे। हमारी कोशिश है कि हम लोग जेन्युइन आंसर कर पाए, आपकी जो भी डाउट है उसको क्लियर कर पाए। तो इसी सिलसिले में मनीष है, और मनीष की काफी एक्सपर्टाइज है बांग्लादेश को लेके, बांग्लादेश के जो भी डाउट, एडमिशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, एलिजिबिलिटी, स्टार्ट सेट, हॉस्टल, वहां के बच्चों की क्या फैसिलिटीज है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कॉलेज के रिकग्निशन, ये बहुत सारी सवाल हैं जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे एक करके एक। मनीष, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया पहले आपको, और मैं चाहूंगा कि पहले आप ये बांग्लादेश एमबीबीएस मेडिकल एजुकेशन का एक ओवरव्यू कुछ देर बता दें, फिर उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, मैं एक बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, क्योंकि बांग्लादेश को लेकर के बहुत ही रॉन्ग परसेप्शन कई लोगों में भी है, खुद मुझ में थी जब मैं फर्स्ट टाइम बांग्लादेश गया था। मैं फर्स्ट टाइम 2010 में बांग्लादेश गया था, और मुझे अभी भी याद है वो दिन। मतलब काफी, मतलब सबके थे कि भाई निगेटिव कुछ परसेप्शन थी, ये भी कंट्री उतना सेफ होगा नहीं होगा, रात को मैं पहुंचा था तो भाई भाई ये नहीं हो, बहुत तरह के नेगेटिव परसेप्शन होती है, हमेशा ही होती है। अगर मैं कलकत्ता से दिल्ली भी जाता हूँ, दिल्ली को लेकर भी लोगों के नेगेटिव परसेप्शन होते हैं, गाँव से शहर आते हैं उसको लेके भी रहते हैं, लेकिन जब आप जाते हैं वहां के चीजों को समझते हैं, बहुत सारी चीजें बदलती है। कमिंग टू द मेडिकल एजुकेशन पैटर्न, देखिए बांग्लादेश में मेडिकल एजुकेशन का जो इतिहास रहा है वो, मतलब देखिए तो इंडिया के इतिहास से मैच करेगा, क्योंकि एक जमाना था बांग्लादेश इंडिया का एक पार्ट हुआ करता था। जब ईस्ट पाकिस्तान बना था उससे पहले से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, ढाका यूनिवर्सिटी जहाँ पर मेडिकल कॉलेज खोली गई, ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज बोल के एक कॉलेज है, जो कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज, दोनों साथ में बनाए थे, सुभाष चंद्र बोस जी का वहां पर एक बहुत बड़ा योगदान था, उसके हिस्ट्री को अगर पढ़ेंगे तो इतिहास बहुत पुराना है। उस समय से कॉलेजेस चलती आ रही है, हॉस्पिटल चलती आ रही है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बताऊं, बांग्लादेश में जो मेडिकल कॉलेजेस है, पहले गवर्नमेंट कॉलेज तो बहुत ही थे, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का दौर जो शुरू है वो 90s के बाद से हुआ है।
कुछ जो कॉलेज जो टॉप हॉस्पिटल्स थे बांग्लादेश के, उन्होंने मेडिकल एजुकेशन स्टार्ट करने का प्लान किया। उसमें पहला नंबर था बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज, जो कि फर्स्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बना बांग्लादेश का। पहले वो हॉस्पिटल ही था, बाद में कॉलेज बने। फिर धीरे धीरे 2007-08 के बाद से ना कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो टॉप हॉस्पिटल थे वो मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट होने के लिए एप्लीकेशन उन्होंने दी। और ये सिलसिला मैं आपको बताऊं, पहले जब मैं बांग्लादेश जाया करता था, हम वहां के बच्चों को चाइना भेजते थे, क्योंकि बांग्लादेश में मेडिकल एजुकेशन का बहुत डिमांड था और वहां पर कॉलेजेस नहीं थी। सिर्फ कुछ सीट गवर्नमेंट कॉलेज में थी, कुछ प्राइवेट कॉलेज में थी, और सीट होती ही नहीं थी। बट वहां के गवर्नमेंट ने कुछ अमेंड किए लॉ, जैसे अपने यहाँ पे एनएमसी ने कुछ लॉ अमेंड किए हैं ताकि कुछ नए प्राइवेट प्लेयर्स भी मेडिकल कॉलेज में घुस सके। कुछ रूल्स चेंज कर रहे हैं, आपको भी पता होगा एनएमसी बिल में बहुत सारे ऐसे चीजें बदली जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट प्लेयर और पब्लिक पीपीपी मॉडल में और मेडिकल कॉलेज बढ़े और उसके सीट्स बढ़ाए जा सके। ये काम बांग्लादेश ने समहाउ 2008-09 में ही कर लिया था, और उसका रिफ्लेक्शन स्टार्ट हुआ आपका 2013-14 में। जब मैं शुरू में 2010-11-12-13 में जाता था, तो उस समय बांग्लादेश से जो बच्चे बांग्लादेश के एग्जाम देने पड़ते थे उससे पास नहीं करते थे, वो जाते थे चाइना, नेपाल, रशिया पढ़ने जाते थे। बट रिसेंटली जब उनके मेडिकल कॉलेज की सीट बढ़ी, बांग्लादेश ने एक और बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने ना गवर्नमेंट एक फॉरेन कोटा सीट बनाई, मतलब हर प्राइवेट कॉलेजेस में भी एक सीट कोटा दिया गया कि भाई आप चाहें तो बाहर से बच्चे ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ नेपाल के बच्चे बल्क में जाना शुरू हुए, क्योंकि नेपाल ने बांग्लादेश को एक्सप्लोर किया। वहां के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में काफी कम बजट में पढ़ाई हो जाती थी। उस जमाने में शायद 15-16 लाख, मतलब 20 से 22 हजार डॉलर में कॉलेज में फीस होती थी, उस जमाने में फीस में हो जाता था। और इंडिया के बच्चों को जब हमने देखा 2013-12 में, मुझे रियलाइज हुआ जब मैं मेडिकल कॉलेज विजिट करना शुरू किया, बांग्लादेश के कई जगह मैं सेमिनार करता था तो वहां के कुछ मेडिकल कॉलेज में विजिट करना शुरू किया, तब मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि क्यों ना जब नेपाल के बच्चे आके बांग्लादेश में पढ़ सकते हैं। उनका फीडबैक मुझे काफी पॉजिटिव मिला। इंडिया के बहुत सारे बच्चे नहीं आते थे, मतलब एक नेगेटिव परसेप्शन बोल लीजिए या ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह बोल लीजिए। तब मैंने 2013 में डिसाइड किया कि नहीं, मैं बांग्लादेश को एज एन एजुकेशन डेस्टिनेशन प्रमोट करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा एक डिसीजन था। मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब पहला साल तो मुझ पर लोग हंसते थे, खुद मेरे जो काउंसलर है अभी मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं या मेरे एसोसिएट, वो सब हंसते थे, बोलते सर बांग्लादेश कौन पढ़ने जाएगा। ये एकदम अपफ्रंट बोल देते। मैं सेमिनार्स करता था 2014-15 में, तो जहां करता था सब मुझे एक अलग नजर से देखते थे कि ये कहां से आ गया, मतलब ये बांग्लादेश लेके कौन आ गया, मतलब बांग्लादेश में लोग पढ़ने भी जाते हैं। इस तरीके की चीजें होती थी 2013-14-15 तक भी। बट जैसे जैसे बांग्लादेश में बच्चे जो शुरू के बच्चे गए और वो पास होने लगे, जब वो बच्चे पास होकर के एफएमजी में उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखाया, प्लस जब वो बच्चे मेडिकल सिस्टम में घुसे इंडिया के और उनकी काबिलियत को जब इंडियन डॉक्टर्स और इंडियन टॉप फैकल्टीज देखी, तब धीरे धीरे परसेप्शन बदलना शुरू हुआ। और आज ये डिमांड है कि भारत का शायद ही कोई कंसल्टेंट हो जिसके पास बांग्लादेश के लिए इंक्वायरी नहीं जाती हो एडमिशन के लिए, और वो कहीं ना कहीं से कोशिश नहीं करता एडमिशन के लिए। तो ये है हिस्ट्री, बहुत ही छोटी सी हिस्ट्री है, बहुत बड़ी हिस्ट्री नहीं है। ये कई कंट्रीज की 200 साल से एडमिशन चल रहे, इतनी बड़ी हिस्ट्री होती है। बांग्लादेश का हिस्ट्री उतना बड़ा नहीं है। बांग्लादेश का हिस्ट्री है कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस थे 1990s में शुरू हुए, और मैक्सिमम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बांग्लादेश के 2010 के आसपास में, उसके मतलब 2007-8-9-10 में हुए, जिन्होंने मैक्स इंटरनेशनल स्टूडेंट का एडमिशन स्टार्ट किया इन बल्क फ्रॉम 2013 ऑनवर्ड्स। यही रीजन है कि आपको बहुत बड़ा नंबर नहीं मिलता बांग्लादेश में, टोटल बांग्लादेश से मिलकर 500-600 बच्चे मिलते हैं, जो कि शायद कई कंट्रीज की एक कॉलेज का एक यूनिवर्सिटी का इंटेक होता है, पूरे बांग्लादेश का इंटेक मिलता था। तो ये चीजें ओवर द टाइम बदली है। आज के जमाने में 1500 से 2000 बच्चे बांग्लादेश में अप्लाई कर रहे हैं। और भी एक चीज बताता हूँ जो किसी भी कंट्री में नहीं मिलती, ऑफिशियली बांग्लादेश में 22 बच्चों को अंडर SAARC कोटा फ्री मेडिकल एजुकेशन दी जाए। मनीष हम उससे बात करेंगे, SAARC कोटे पे बात करेंगे, एलिजिबिलिटी वाले पे बात करेंगे। अभी नहीं, पुराना है SAARC कोटा, बहुत पुराना है SAARC कोटा। मैं आपको जानता, जैसे मनीष जी 90s में से स्टार्ट करता, इतिहास यही था SAARC कोटा। मनीष जैसे आपने आप बताया कि 90 से पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस होते थे, और इंडिया जो बांग्लादेश का मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है उसकी भी शुरुआत भारत की मेडिकल सिस्टम के साथ ही हुआ है, क्योंकि भारत का एक हिस्सा था किसी समय में। और 90 के दशक से मतलब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत होना शुरू हुआ। फिर एक बूम आता है 2008 और 10 में, और आप इस बिजनेस में बांग्लादेश जो एजुकेशन डेस्टिनी को, मतलब जो डेस्टिनेशन को आपने तैयार किया या जिसको प्रमोट किया, उसके पहले 13 के पहले क्या यहाँ से बच्चे जो जाते थे उनकी संख्या क्या होती थी? क्या गवर्नमेंट में जाते थे या प्राइवेट कॉलेजेस में जाते थे?
मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैं लास्ट बता ही रहा था कि शुरू में क्या सिर्फ और सिर्फ सार कोटा में बच्चे अप्लाई करते थे, बहुत कम बच्चे, मतलब मेनली कश्मीर के बच्चे काफी जाते थे, क्योंकि कश्मीर और बांग्लादेश का बहुत ही पुराना एक ट्रेड एंड बिजनेस का रहा हुआ है, वहाँ के गारमेंट्स और वहाँ के मतलब पश्मीना शॉल्स वगैरह, बहुत सारे लोग हैं जो कश्मीर से बांग्लादेश में बिजनेस करते हैं। तो कश्मीर में क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस की सीट भी बहुत कम थी, तो शुरू में कश्मीर के काफी बच्चे ओपन मतलब जाया करते थे बांग्लादेश, और सार कोटा में भी जब अप्लाई करते थे तो क्योंकि 95, 96, 97 इतने परसेंटेज चाहिए होते बायोलॉजी में, और अभी तो 100% वाले बच्चों को भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है, तो इतने नंबर चाहिए होते, तो उस जमाने में 94, 95 वालों को मिल जाता था। तो शुरू में सार कोटा का बच्चा थ्रू आउट गया हुआ है, मतलब अलीगढ़ से मैं जानता हूँ जो पेरेंट्स है जो पहले जा करके बच्चे वहां पर पढ़ करके वापस आके भी सऊदी और यूके यूएस में भी प्रैक्टिस करने वाले ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जो अभी वहां प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है। उसी तरीके से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जानना जो शुरू हुआ, यूएसटीसी बोल के एक कॉलेज है जिन्होंने सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बच्चे बांग्लादेश में लेने शुरू किए थे, ये शुरू की तरफ यूएसटीसी में सबसे ज्यादा बच्चे आते थे चिटागोंग यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मतलब खुद भी एक यूनिवर्सिटी रहती थी, बट कुछ प्रॉब्लम्स के कारण वहां पर एडमिशन इनटेक काफी कम गया, वहां पर कुछ कंप्लेन्स भी आई थी। श्रीलंका से बच्चे भी काफी जाया करते थे एक जमाने में, आपका बांग्लादेश में बहुत बड़ा एक ग्रुप जाया करता था, श्रीलंका से बच्चे जाते थे। खुद अभी भी मैं कॉलेज प्रमोट करता हूँ, बीसीसी ट्रस्ट मेडिकल कॉलेज, उसमें कम से कम 50 से 60 डॉक्टर्स श्रीलंका में प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं अभी, तो नेपाल से भी जाते थे। तो इंडिया से बच्चे जो जाते थे पहले शायद 150-200 बच्चे पूरे इंडिया से मिला करके जाते थे इन द ईयर 2010-20, 2010-11-12, ये सब में 200-300-400 बच्चे, बस इतने ही मैक्सिमम बच्चे जाते थे, बट ओवर द टाइम ये नंबर काफी बड़ा है। बढ़ने का रीजन है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी बढ़े हैं, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस पहले फॉरेन इनटेक में उतने बच्चे नहीं लेते थे वो भी बढ़ गए, तो इस कारण अभी जो इनटेक है ऑलमोस्ट 1500 से 2000 हो गया है, बट शुरू में वो इनटेक आज से 10 साल पहले शायद 200-250-300 बस इतने बच्चे जाते थे, अपार्ट फ्रॉम सार कोटा। मेरी आवाज आ रही है? जी अभी आ रही है। ठीक है मनीष, ये हिस्ट्री रही वहां का। अच्छा, ये कॉलेजेस कितने, मतलब किस तरह के कॉलेज है, मतलब वहां पे बांग्लादेश में गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट में भी कई अलग अलग काइंड्स के कॉलेजेस हैं क्या? जी, देखिए बांग्लादेश में मैं आपको बताऊं थोड़ा बहुत चेंजेस होता रहा है, अभी रिसेंटली सारे जो यूनिवर्सिटी थी, जैसे पहले ढाका यूनिवर्सिटी डिग्री देती थी, अब ढाका यूनिवर्सिटी की जगह ढाका मेडिकल यूनिवर्सिटी बन गई, पहले राजशाही यूनिवर्सिटी देती थी, अब वो राजशाही मेडिकल यूनिवर्सिटी बन गई। तो बांग्लादेश में ऑलमोस्ट 4 मेजर यूनिवर्सिटीज है जहां पर मेडिकल कॉलेजेस रजिस्टर्ड होते हैं, ढाका मेडिकल यूनिवर्सिटी, राजशाही मेडिकल यूनिवर्सिटी, चिटागोंग मेडिकल यूनिवर्सिटी और शाहजलाल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो सिलेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं, और एक गोनू विश्वविद्यालय जो एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी है जो अभी दे रही है। तो ये सब मेजर कॉलेजेस हैं। देखिए टोटल अगर देखें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बांग्लादेश में ऑलमोस्ट 60 है और गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 28 से 30 के आसपास है, और रिसेंट में मतलब लास्ट 15 साल में ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं 70% ऑफ द मेडिकल सीट्स जो बढ़े हैं लास्ट 15 साल में बढ़े हैं बांग्लादेश में। उससे पहले बांग्लादेश का जितना भी था वो बहुत ही कम सीट था, 3000 का टोटल इंटेक होता था, 3000 से 3500, अभी टोटल इंटेक 10,000 पर ईयर हो चुका है, उनके पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 18 करोड़ है, उस हिसाब से ये शायद एक सही नंबर है, सो दैट अगले 10 साल में उनके यहाँ पर जो डॉक्टर स्टूडेंट डॉक्टर पेशेंट रेशियो है जो कि WHO बोलती है उसको मैच कर सके। तो बांग्लादेश में आप देखें तो ओवरऑल एक एक कॉलेज अगर हो, कुछ कॉलेज में 200 की भी इंटेक है, कुछ कॉलेज में 50 की भी इंटेक है, डिपेंडिंग अपॉन उस कॉलेज के साथ जो अटैच्ड हॉस्पिटल है वो कितना बड़ा है और अटैच्ड हॉस्पिटल में कितने टीचर्स हैं, ये सबको देख करके आपको एक कॉलेज को नंबर ऑफ सीट्स की एंट्री दी जाती है। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं कि मतलब आपका कितना एडमिशन पॉसिबल है एवरी ईयर। ओवरऑल काफी सारा मेडिकल कॉलेज है, और बांग्लादेश का मैं आपको बताऊं मेडिकल कॉलेजेस का सिस्टम थोड़ा सा अलग है इंडिया के, वहां पर ना उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे होता है, जो कि इंडिया आप देखेंगे कॉलेज में घुसते हैं तो इतना सुंदर फ्लोरल गार्डन ये सब पे होता है, बांग्लादेश में थोड़ा वर्टिकल कॉलेजेस होती है, मतलब उनका स्क्वायर फीट एरिया अगर आप काउंट करेंगे तो इंडिया के कई प्राइवेट कॉलेज से ज्यादा है, बट जब आप उसको देखेंगे तो उनका एक कैंपस व्यू नहीं हो पाता, तो ये एक नेगेटिव रही है परसेप्शन में लोगों की कि भाई एक बिल्डिंग का कॉलेज है, बट वो आप एक बिल्डिंग का तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी था, लेकिन एक अकेला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुनिया के कितने बिजनेस को होल्ड किया करता था, तो वही लॉजिक। मनीष जी बांग्लादेश में अभी 2021 तक 90 से लेके अभी तक जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के नंबर से कितने होंगे?
देखिए शुरुआत तो मैंने बताया आपको 93 या 94, 91 या 92 से, एग्जैक्ट मैं ईयर नहीं बता पा रहा हूँ. पहली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हुई थी बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज, बट मैक्सिमम जो मेडिकल कॉलेजेस बांग्लादेश में हुई 2002-03 में एक बड़ा ग्रुप आया, 10-12 मेडिकल कॉलेज ऐड हुआ. 2007-08-09 में कम से कम 20-25 मेडिकल कॉलेज ऐड हुए, तो ऑलमोस्ट अभी 60 के आसपास मेडिकल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं मेडिकल आपके पूरे बांग्लादेश में. क्या 60 मेडिकल कॉलेजेस हैं? दीपेन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है. क्या वो WHO से अप्रूव्ड हैं? आपके नेटवर्क, आप फिर से क्वेश्चन करिए. आपका क्वेश्चन, आवाज नहीं आ रही है. मेरी आवाज अभी आ रही है? हेलो हेलो मनीष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है. एक सेकंड, आप मुझे एक बार डिस्कनेक्ट करके, हेलो आप मेरे को रिमूव करके एक बार फिर से ऐड करिए. हेलो हेलो मनीष जी, मेरी आवाज जा रही है? हेलो हेलो ऐड करिए. हेलो अभी आ रही आवाज? हेलो अभी आ रही आवाज? मैंने सी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है जी, इशू की वजह से मुझे आवाज. हेलो आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है जी. तो आपका एक बार सवाल, हाँ WHO में लिस्टेड है कि नहीं ये आपने पूछा था. देखिए हेलो जी, मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि जब भी कोई कॉलेज आप जाते हैं, भले वो किस भी कंट्री का हो, WDOMS.org वेबसाइट पे आपको जाके पता चल जाएगा कि वो कॉलेज लिस्टेड है कि नहीं. तो मैक्सिमम सारे कॉलेज ही WHO लिस्टेड है. कुछ कॉलेजेस जरूर है जो नए हैं जिसमें WDOMS के अंदर आपको स्पॉन्सर नोट नहीं है, मतलब वहां से आप शायद पढ़े तो USMLE और प्लैब का एग्जाम ना दे पाए. तो वैसे कॉलेज को आप देख सकते हैं, अगर किसी को USMLE या UK या प्लैब का एग्जाम देना तो वो सब कॉलेज को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े सस्ते कॉलेज होते हैं और उनका अभी तक एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है. तो समथिंग वो सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी, बट ओवरऑल सारे कॉलेज ही WHO अप्रूव्ड है और वो WDOMS की वेबसाइट पे हो जाएंगे. स्पॉन्सर नोट को लेकर के आपको हमेशा लाइव चेक कर लेना चाहिए क्योंकि वो आपका लाइव अपडेट होता है. एक्चुअली मनीष जी, एक हिदायत पाशा साहब हैं, उन्होंने एक्चुअली, हिदायत साहब आपको बता दूं, इजिप्ट पे अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं. और आपका सवाल है कि आप $3,500 क्यों चार्ज करते हैं, इसके साथ ही 1,50,000. नहीं, अच्छी बात है सवाल, अगर किसी या पेरेंट्स हो या स्टूडेंट हो, अच्छी सवाल है. तो हिदायत साहब, आपके सवाल का जवाब हम जरूर देंगे. मैं कोशिश करूंगा इजिप्ट वाली सेक्शन में अगर आप आए तो ये सवाल और रिलेवेंट हो जाएगा. ये कई बांग्लादेश में हमारे बच्चे जो इजिप्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, बांग्लादेश के बच्चे जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते लोकल एग्जाम या फिर उनके रैंक नहीं है, वो भी बांग्लादेश जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उनके लिए भी ये सवाल लाजमी है. बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको हम, आप अगर बने रहें इसको खत्म कर लें, नहीं तो ये डाइवर्ट हो जाएगा. तो इसको लास्ट में हम कोशिश करेंगे आपको जवाब दें. अगर आप नहीं रहे तो फिर मैं आपको पर्सनली, अगर आप नंबर दे दें तो मैं कॉल करके भी बात कर सकता हूँ. ठीक है, क्योंकि अभी बांग्लादेश पे बात कर रहे हैं, डाइवर्ट हो जाएगा चीजें, क्योंकि बांग्लादेश काफी ब्रॉड एरिया है. तो लगभग टेंटेटिवली बच्चों को, ठीक है, अब कई चीजें हैं, कई ऐसे कंसल्टेंट हैं जो बांग्लादेश के एलिजिबिलिटी, जिनके मतलब ऑन रिकॉर्ड वीडियोज हैं, बांग्लादेश के एलिजिबिलिटी के बारे में भी काफी कंफ्यूजन है, जबकि बांग्लादेश की एलिजिबिलिटी बहुत क्लियर कट है. तो आप एलिजिबिलिटी के बारे में बताना चाहें और कितने तरीके से वहां एलिजिबिलिटी बनाई जाती है? मैं आपको बता देता हूँ. देखिए एलिजिबिलिटी का सिस्टम क्या है, मैं आपको बताऊँ. बांग्लादेश का कोई एज एज एलिजिबिलिटी नहीं है, जैसे इंडिया में तो एज एलिजिबिलिटी आ जाती है, अभी तो वो भी हट गए कि 25 से ऊपर नहीं. बांग्लादेश में एज का कोई एलिजिबिलिटी नहीं है. बांग्लादेश में मेजर जो एलिजिबिलिटी का सिस्टम है वो है 12th, एक साल से ज्यादा ड्रॉप आउट अलाउड नहीं है. मतलब अगर 2021-22 में आप अप्लाई कर रहे हैं तो 2019 वाले बच्चे 2021-22 सेशन में अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है, ये वहां के सिस्टम. और 10th और 12th के बीच में गैप एक साल का अलाउड है, तब जब आप करंट ईयर के हो. मतलब मान लीजिए 2021 में अगर किसी ने 12th दिया है तो 2019 में अगर उसने 10th दिया है चलेगा, 2018 में दिया है चलेगा, बट 2020 में अगर किसी ने 12th दिया है तो उसका 2018 10th चलेगा, 2017 10th है तो नहीं चलेगा. तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब मैं नहीं बोलूंगा कि एकदम ही समझ में आने लायक है. ये एलिजिबिलिटी क्या फॉरेन नेशनल के लिए है कि डोमेस्टिक बच्चे, जो बांग्लादेशी बच्चे, सारे उनके बच्चे, ये बांग्लादेश के लोकल बच्चे हो, इंटरनेशनल बच्चे हो, सबके लिए है.
और यहाँ पर एक जो बहुत लोग करते हैं कि अगर आप किसी कारण से आप एलिजिबल नहीं होते, आपको फिर से 10-12 देने चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल होगा। वो बहुत मुश्किल है, बट ये किया जा सकता है, मतलब क्योंकि उनकी एज एलिजिबिलिटी नहीं है, उनका HSC और क्लास 10 आपका देने का वो चेक करते हैं। तो कई लोग जो 12th में या फिर मार्क्स का, ये तो हुआ ईयर गैप का एलिजिबिलिटी। दूसरा है 12th में बायोलॉजी में 60 के अबव चाहिए, मतलब मान लीजिए अगर आपका बायोलॉजी में 50 आ गया या 59 आ गया, आप 2021 में आपने 12th दिया है, या फिर 2020 में जिसने 12th दिया है उसका 59 था बायोलॉजी में, वो एक साल फिर से प्रिपरेशन करके 2021 में अगर देता है, इस बार उसका 60 से ऊपर है, तो वो एडमिशन ले सकता है। तो कई लोग बांग्लादेश में जो एलिजिबल नहीं होते वो फिर से एक साल एग्जाम देते हैं, ओपन बोर्ड के NIOS से हैं, NIOS से दे सकते हैं या इम्प्रूवमेंट एग्जाम खुद का CBSE में जा करके दे सकते हैं। तो उस तरीके से भी एडमिशन पॉसिबल है, जो कि बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग दूसरे कंट्रीज को चूज करते हैं। ओके, तो एलिजिबिलिटी ये काफी चीज सुनने में हमेशा कई बार ये न्यूज आता है या बहुत सारी बातें सुनाई देती है कि बहुत सारे बच्चों ने फेक डॉक्यूमेंट लगाया और उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पकड़े गए, फिर इतने जानने के बाद, इतने न्यूज आने के बाद भी ये क्या बच्चे डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं फेक या कंसल्टेंट फेक डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं? मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली एक सार कोटा का लिस्ट आने वाला था, मतलब मैं इस पे लाइव भी कर चुका हूं, उसमें इस पे कोई बात नहीं करना चाहता, इस टॉपिक पे कोई बात ही नहीं करना चाहता, मतलब सब एकदम होते हैं ना एक टैबू फाइल बना के, फिर भी मैं खोल के बताता हूँ कि इस टॉपिक पे आपको भी वीडियो मिलेगा ही नहीं, आपको आइए यहाँ पढ़ लीजिए, वहां पढ़ लीजिए, ये कॉलेज बेस्ट है, इन सब जो टेक्निकल टॉपिक्स है इस पे कोई बात ही नहीं करना चाहता, इसको चाहते हैं कि भाई बिहाइंड द सीन। मैं आपको बताऊं अभी होता क्या है, कई बार बच्चे अप्लाई करते हैं और उनको पता नहीं रहता, फोटोशॉप पे एडिट करके डॉक्यूमेंट जमा हो जाते हैं। सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं, कई कंट्रीज में हुई है, इतिहास गवाह है, कई कंट्रीज में फोटोशॉप करके डॉक्यूमेंट हो गए हैं, जब एलिजिबिलिटी रैंडम जब चेकिंग होती है तब एलिजिबिलिटी के समय उनको प्रॉब्लम हुई है। तो कई बार कंसल्टेंट भी ये करते हैं और कई बार बच्चे समझ के करते हैं, बच्चे तो कोई नहीं बोलेगा कि मेरा फोटोशॉप कर दीजिए, तो 90% केसेस में कंसल्टेंट ही करते हैं बच्चों को बिना बताएं, क्योंकि ये जो एलिजिबिलिटी है ये तो पब्लिकली सब जगह नहीं मिलती, ये तो वेबसाइट पे जाके आपको चेक करना पड़ता है या हम नोटिस भेजते हैं। कई बार होता है क्या, बच्चा बोलता है भाई हमें यहाँ एडमिशन लेना है, बच्चा का ये एलिजिबिलिटी हो नहीं रहा है, कंसल्टेंट उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं। एक और मैं बताऊं, एक और चीज, कश्मीर के जो बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा एलिजिबिलिटी रिलैक्सेशन लगता है, मतलब है नहीं एक्चुअल बट लगता है। क्या कि कश्मीर का जो एडमिशन होता है सिस्टम, उसमें 12th का रिजल्ट आता है वो जनवरी में आता है, मतलब 2020 का रिजल्ट जनवरी 2021 में आया, ठीक है, 2019 का रिजल्ट जनवरी 2020 में आया। तो वहां पर 2019 वाला जो मार्कशीट पे लिखा रहेगा वो एलिजिबल हो जाता है बांग्लादेश में। तो ये थोड़ा बोर्ड के अनुसार भी थोड़ी सी ना, देखिए बात क्या है, हम रेगुलर करते तो हमें तो एक बार में पता है किस बोर्ड में क्या है, क्यों है, लॉजिक पता है, लेकिन नॉर्मल इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई कश्मीर में 2019 अगर एग्जाम है वो आप ले ले रहे हो, लेकिन हमारे बोर्ड का आप नहीं ले रहे हो, तो क्या सिस्टम है? तो सिस्टम वही है कि जब रिजल्ट पब्लिश होता है उसको माना जाता है, ना कि सेशन। ओके, एज पर बांग्लादेश डिक्लेरेशन डेट होता है रिजल्ट को, उसको लोग देखते हैं, उसको देखते, ना कि वो सेशन सेशन को नहीं देखते हैं। नहीं, ये तो एलिजिबिलिटी, मान लीजिए ये आपने टेक्निकल बताया कि भाई जो रिजल्ट का डिक्लेरेशन डेट है उसको हम मानते हैं, वो लोग कंसीडर करता है। मेरा सवाल ये था कि कई ऐसे न्यूज आए हैं, कई ऐसे बच्चों से जो मेरी बात हुई है, वो चाहे सार्क कोटा में हो, चाहे नॉर्मली परसेंटेज को लेके हो, काफी लोग वहां पे डॉक्यूमेंट्स फेक डॉक्यूमेंट लगा देते हैं, तो क्या बच्चे लगाते हैं या कंसल्टेंट लगाते हैं? देखिए ये जब मैं तो बताया आपको 90% केसेस में शायद कंसल्टेंट ही लगाते होंगे, क्योंकि बच्चों को अगर बता के लगाया है तो बहुत कम ही बच्चे होंगे जो बोलेंगे भैया मेरा फेक डॉक्यूमेंट है। क्या ये फेक डॉक्यूमेंट के वजह से जो बांग्लादेश हाई कमीशन इंडिया में है या कॉन्सुलेट जनरल जो कलकत्ता में है फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रोसेस शुरू किया? फिजिकल वेरिफिकेशन यही रीजन है कि सारकोटा का रिजल्ट डिले हो रहा है, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन अभी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की भी हो रही है, पहले से अटेस्टेशन को वेरिफिकेशन मान लेते थे, अटेस्टेशन का कोई वैल्यू ही नहीं रहा, मतलब अब वो कहने की बात हो गई कि अटेस्ट करवा लिया, क्योंकि अब उस अटेस्टेशन के बिना, मतलब उस अटेस्टेशन के साथ भी आ जा रही है फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स मतलब ऐसे, मतलब बहुत तरह की फॉर्जरी। देखिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कुछ लूपहोल्स तो हैं, मतलब यहाँ पर दो तरह के बोर्ड होते हैं, कॉप से रिकॉग्नाइज्ड, एक कॉप से नॉट रिकॉग्नाइज्ड, जैसे मदरसा बोर्ड है, NIOS बोर्ड है, NIOS बोर्ड को MCI कई बार मानती है, कई बार नहीं भी मान रही है, कई सारे स्टेट ओपन बोर्ड है जिसको नहीं मान रही है, बट दूसरे कंट्री में जब हम जाते हैं तो वहां पर इतना सारा डिस्टिंक्शन नहीं है, उनके लिए आप जिस भी बोर्ड से आए आप एलिजिबल हो जाते हो, बट इन सब
इन सब के जो टेक्निकल चीजें हैं इसका कुछ गलत फायदा भी उठते हैं, कुछ फेक बना दिए जाते हैं, हर साल हमें पता चलता है फेक यूनिवर्सिटी आई है तो गवर्नमेंट, लेकिन जरूरी बहुत सारे ऐसे कंट्री में लोग जाके पढ़ रहे हैं प्रैक्टिसिंग मतलब इंजीनियर हैं तो इसी फेक बोर्ड से पढ़ करके वहां पर जाके सेटल होके पीआर लेकर के लाइफ मस्त जी रहे हैं, तो ऐसा इतिहास में हुआ है, बट गलत गलत से किसी को पकड़ा नहीं गया, इसका मतलब ये नहीं कि गलत गलत नहीं है। ओके और अब आते हैं जो बच्चे के जो क्वेरीज रहते हैं, ये तो टेक्निकल चीज है चूंकि कहीं बातचीत नहीं होती है, इसलिए इसके बातचीत करने से पहले इसके एक बैकग्राउंड के लिए हम लोगों ने बातचीत किया। जो कॉलेजेस है वहां पे, तो कॉलेजेस मतलब कितने कॉलेजेस वहां, जैसे आपने 90 के आसपास बता दिया, उसमें कितने कॉलेजेस जहां पे फॉरेन नेशनल पढ़ सकते हैं या पढ़ने का माहौल है या एनवायरमेंट अच्छा है? देखिए मैं आपको खुल के बताऊं, अभी पहले क्या था, जब शुरू की तरफ गए तो सारे बच्चों को प्रॉब्लम हुई क्योंकि फर्स्ट बैच आप किसी भी कंट्री में जाओ, इवन एम्स में भी पहला बैच इंटरनेशनल बैच अगर जाता है एम्स में भी जाएगा तो उसको प्रॉब्लम होगी क्योंकि पढ़ाई के अलावा भी दुनिया है, क्योंकि 8 घंटे की तो पढ़ाई, 9 घंटे की पढ़ाई, बाकी 16 बाकी जो घंटा है 16 घंटा सा 14 घंटा, इसमें तो उसको रहना खाना एडजस्टमेंट फूड हैबिट इन सब के साथ एडजस्ट करना है। तो देखिए बांग्लादेश में भी ऐसे बहुत कॉलेज हैं जहां पर इंटरनेशनल बच्चे जाते हैं, अब जहां बच्चे जाते हैं भले ही कॉलेज में प्रॉब्लम थी वहां पर एडजस्टमेंट करते करते उस कॉलेज में अब नए बच्चे इजिली एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि फॉरेन इंटरनेशनल बच्चों का डिमांड थोड़ा अलग होता है कंपेयर टू लोकल बच्चे। अब सीधी सी बात है, अगर कोई सिर्फ बांग्लादेश का बच्चा किसी कॉलेज में है तो अगर टीचर थोड़ा बंगला में भी पढ़ाना शुरू कर दे तो किसी को कोई इशू नहीं आएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एजुकेशन, देखिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ही है हर कंट्री में, जो भी हमारे जो सारे कोटा के कंट्रीज है सब में इंग्लिश है, लेकिन अगर क्लास में इवन तमिलनाडु में अगर क्लास में सारे के सारे बच्चे तमिलियन है तो टीचर तमिल में बताना शुरू कर देता है, उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती। बट अगर इंटरनेशनल बच्चा दो भी वहां पहुंच गया तो टीचर को पूरा अपना पैटर्न चेंज करना पड़ता है क्योंकि उसको पता है कि भाई मुझे 98 बच्चे को नहीं 100 बच्चे को पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो होती क्या है कई ऐसे कॉलेज हैं, इसमें एक और प्रॉब्लम है जहां पे लैंग्वेज की प्रॉब्लम है ना। देखिए आप जो हमारा या बांग्लादेश या इंडिया, हमारी मदर टंग इंग्लिश नहीं है और मैक्सिमम जो बच्चे रहते हैं वो किसी भी मेडिकल कॉलेज में डोमेस्टिक बच्चे रहते हैं जी, तो एक घंटे की जो क्लास का जो पीरियड होता है तो हमारा जब मदर टंग नहीं है तो हम बात करते करते वो चाहे मैं देखा हूँ तमाम मेडिकल कॉलेजेस में देखा हूँ, मैं जिस इंस्टीट्यूशन से पास आउट हूँ वहां पे 87 कंट्रीज के बच्चे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो मैं देखता हूँ, लेकिन उसमें 5 मिनट 10 मिनट उसकी जो लोकल जो अपनी मदर टंग है वो निकल ही जाता है तौर पे या बच्चों को इंटरटेन करने के 60 मिनट, मतलब आपकी टोटल लेक्चर तो क्लास में आता नहीं है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश मीडियम नहीं है, इंग्लिश मीडियम नहीं होता है वो इंडिया में भी है, तो बांग्लादेश में भी ये सिस्टम है, थोड़े बहुत बंगला का इन्फ्लुएंस रहता है हर कंट्री में। मैं खुद जब इंजीनियरिंग किया था, मैं कलकत्ता में इंजीनियरिंग किया था, वैसे मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहां का हूं, इन बिहार से यूपी से बच्चे जो क्लास करते थे टीचर्स भी बंगला यूज करते थे और बोलते थे कि थोड़ा बहुत तो सीखो बाबू, मतलब एकदम तुमको लिखना पढ़ना नहीं सीखना है लेकिन सुनना और समझना तो सीखो, कि किसी भी लैंग्वेज को सुन करके समझना ये सबसे इजी पार्ट होता है, इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं अनपढ़ भी जिसको बोलते हैं उनको बात करना आता है क्योंकि उनको सुनना और समझना आता है फिर भी वो अनपढ़ है, अनपढ़ का मतलब हुआ लिखना नहीं पढ़ना आता, तो ये से आप किसी लैंग्वेज के अनपढ़ हो करके भी उस लैंग्वेज में अगर सुनना समझना आ गया तो आपके लिए काफी है, तो ये चीज है हर कंट्री। कोई एडिशनल लैंग्वेज अगर कोई सीखता है तो उसके लाइफ के लिए वो फ्रूटफुली होता है और कारगर ही होगा वो, और सीखना चाहिए ऐसा नहीं जी। तो आपके एक सवाल पे वापस लौट रहा हूँ, जो भी नए कॉलेजेस होते हैं ना जिसमें मतलब मान लीजिए 2-3 साल पहले खुला है वहां पर थोड़ा ये इश्यूज होते हैं क्योंकि देखिए कोई भी नए कॉलेज में टॉप टीचर्स कभी नहीं जाएगा, ये आपको भी पता है, या तो फिर वो कॉलेज बैकड अप हो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन किसी ने कॉलेज को खोला या बहुत बड़े ट्रस्ट खोला हो जिसको मतलब एकदम बहुत ही कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो, बट जो नए कॉलेज खुलते हैं 200-250 बेड के हॉस्पिटल्स के कॉलेज सिटी से बहुत ही दूर है, इस तरह के कॉलेज को मैं चाहता हूँ कि बच्चे अवॉइड करें अंटिल अनलेस देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। देखिए मैं जिन कॉलेज को अवॉइड करने बोलता हूँ बाद में कई बार उस कॉलेज में मुझे एडमिशन कराने पड़ते हैं, मैं ओपनली आप सबके सामने शर्मिंदा होकर भी आपके सामने एक्सेप्ट करता हूँ, क्यों, क्योंकि जब कॉलेजेस में सीट ही खत्म हो जाते तो फिर जहां मिलेगा वहीं ना जाएंगे, बट अगर आपके पास ऑप्शन है बेस्ट का अवेलेबल है तो फिर आप उसमें क्यों जाएं, ये है तरीका। क्यों देखिए बांग्लादेश में क्या है, एक कॉलेज में अनलिमिटेड सीट नहीं हो जाती, जैसे कई कंट्रीज में 500, 600, 700 बच्चों का एडमिशन करा लीजिए कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ पर एक कॉलेज में 20 से शुरू करके मैक्सिमम 50, इससे ऊपर सीट अपडेट आप कर ही नहीं सकते हैं भले ही करोड़ों रुपए दे दें, तो कई बार टॉप कॉलेज की सीट भर जाती है। या स्टेट्स कॉलेज डिसाइड करता है कि फॉरेन नेशनल का एक इंटेक में कितने सीट्स होंगे, या वहां की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो डिसाइड करती है, गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश करता है, कौन करता है? देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट बांग्लादेश के अंडर ही आती है, तो मैं आपको खुल के बताता हूँ,
इंडिया और बांग्लादेश में एक चीज आप कॉमन देखेंगे, जैसा इंडिया में होता है वैसा ही बांग्लादेश में होता है। क्या बांग्ला इंडिया में कॉलेज डिसाइड कर सकता है वो कितना इंटेक करेगा? नहीं। यहाँ पर एमसीआई डिसाइड करता है, इंस्पेक्शन होती है, चेक करते हैं उनके सारे चीज, उसके बाद उनको दिया जाता है, अलॉट किया जाता है, एमसीआई अलॉट करती है, जो कि अभी एनएमसी हो चुके। सेम टू सेम बांग्लादेश में ये, आप बांग्लादेश में जो भी रूल्स है ना, अगर आप उसको इंडिया के हिसाब से मानेंगे भी इंडिया में तो ऐसा होता है, तो बांग्लादेश में क्या होता है आप देखेंगे 90% केसेस में जैसा इंडिया में होता है, जो डिपार्टमेंट इंडिया का है उसी का एक जेरॉक्स कॉपी डिपार्टमेंट बांग्लादेश में है, जो वैसा वैसा काम करता है। और काफी हद तक बांग्लादेश के खुद बोलते हैं कि भाई हम फॉलो करते हैं इंडियन मेडिकल सिस्टम को, इंडियन मेडिकल एजुकेशन को, इंडियन राइटर्स के बुक्स को, इंडियन टीचर्स को, इंडियन एजुकेशन पैटर्न को वो फॉलो करते हैं, और देयर इज नो हार्म इन सेइंग दैट कि वो फॉलो करते हैं। वो खुद ओपनली बोलते हैं क्योंकि इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, तो और इंडियन डिजीज पैटर्न वन ऑफ द बेस्ट एनवायरनमेंट है टू लर्न द डिजीज पैटर्न, और बांग्लादेश इसको फॉलो करती है। खुद वहां के हेल्थ केयर में टीचर्स लोगों ने सब मुझे खुल के बताया कि हम तो वही फॉलो करते हैं जो आपकी एमसीआई में आती है, और उसमें कुछ अपने हिसाब से कुछ एड ऑन कर देते हैं और कुछ चेंजेस करते हैं, बस ये वहां का सिस्टम। नहीं, ये होता भी है, जो नेबरिंग कंट्री होता है वहां पे जो बिग बॉस है, तो नेपाल, इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है या मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है, सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, नेपाल भी फॉलो करता है, श्रीलंका भी करता है, भूटान भी करता है, तो ये नेबरिंग कंट्री का जो अभी क्रॉस बॉर्डरिंग जहाँ क्रॉस बॉर्डर है वहां पे तो ज्यादा ही इफेक्ट होता है, ज्यादा ही मतलब उस चीज को फॉलो किया जाता है। सिर्फ ये एजुकेशन ही नहीं, पॉलिटिक्स भी फॉलो किया जाता है, यहाँ के पॉलिटिकल जो एजेंडे होते हैं उसको भी फॉलो किया जाता है, ये सारे ये सारी चीजें। अच्छा, ये कॉलेज जो बांग्लादेश में जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज तो है नहीं वहाँ पे, यूनिवर्सिटीज मेरे ख्याल से 3 या 4 ही यूनिवर्सिटीज हैं, ढाका, चिड़गांव, राजशाही, तो मेडिकल में 4 ही है, 5 एक और है, 5 यूनिवर्सिटीज बोल सकते हैं मेडिकल में, ऐसे तो यूनिवर्सिटीज बहुत सारी है, लेकिन हर यूनिवर्सिटी को वहाँ पर मेडिकल कॉलेज खोलने का अलाउड नहीं है। वहां पर मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर ही होगा, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी वहां पर मेडिकल कॉलेज नहीं खोल सकती। ओके, तो ये जो कॉलेज हैं जैसे आपने बोला, तो क्या कॉलेज कैंपस के अंदर ही हॉस्टल्स भी होते हैं, उनके हॉस्पिटल्स अटैच्ड होते हैं? मैं आपके सवाल का जवाब, जैसे बहुत साल की जरूरत नहीं है मेडिकल कॉलेज के लिए, जबकि बांग्लादेश में मेरे ख्याल से ऐसा रूल नहीं है, तो क्या इसका कोई अपडेटेड अपना? आपका आवाज कट गया था थोड़ा सा, एक बार रिपीट करिए हॉस्टल। और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो कॉलेजेस हैं उनके अपने ओन हॉस्पिटल्स होते हैं, कितने बेडेड के हॉस्पिटल्स वो लोग मिनिमम वहां पे रिक्वायर्ड है कि आपको एक मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए इतने बेडेड मिनिमम हॉस्पिटल्स आपके पास होने चाहिए, या किसी प्राइवेट या किसी ऐसे गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अफिलिएटेड करके वो लोग चलाते हैं? मैं दो क्वेश्चन था आपका, पहले मैं हॉस्टल का आंसर कर दूं। देखिए, बांग्लादेश के जो स्पेशली ढाका बेस्ड कॉलेजेस है उसमें कैंपस का सिस्टम नहीं है। मैं आपको खुल के समझाऊं, जो कैंपस होते हैं ना वो वर्टिकल कैंपस होते हैं, हॉरिजॉन्टली स्प्रेड कैंपस आपको बहुत ही कम मिलेंगे, प्रॉपर सिटी में तो है ही नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस को छोड़ के प्राइवेट किसी का भी नहीं है, कोई भी कॉलेज नहीं, भले वो जितना भी पुराना कॉलेज हो, इंक्लूडिंग बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज। इनका हॉस्टल का सिस्टम वगैरह क्या होता है, पेइंग गेस्ट सिस्टम होती है, यानी आसपास में बहुत सारे पेइंग गेस्ट होते हैं, जैसा कि आप कोटा वगैरह में देखते होंगे कि भाई कोचिंग सेंटर्स हैं, उनके साथ पेइंग गेस्ट के साथ अटैचमेंट होते हैं जहां पर बच्चे जाकर के रह सकते हैं, कॉलेज उनके कैंपस के अंदर नहीं होती, तो वही सिस्टम वहां पर भी है। इवन इंडिया के भी कई सिटी बेस्ड कॉलेजेस होते हैं, आसपास पेइंग गेस्ट होता है, तो यहाँ पर पेइंग गेस्ट सिस्टम नहीं है, यहाँ पर कॉलेज एक पूरी बिल्डिंग ले लेता है और उसको एज अ हॉस्टल कन्वर्ट कर देता है। दैट बिल्डिंग विल बी वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट से 10 मिनट के बीच में अलग अलग कॉलेज का। नॉर्मली गर्ल्स जो हॉस्टल होती है वो कॉलेज कैंपस में कई जगह अवेलेबल फिल भी हो जाती है, मतलब कॉलेज के कैंपस में एक फ्लोर को गर्ल्स हॉस्टल या टॉप फ्लोर को गर्ल्स हॉस्टल में कन्वर्ट करते थे कई कॉलेज, बट कुछ कॉलेजेस में वो भी जस्ट आपके वॉकिंग डिस्टेंस में होते हैं। गर्ल्स हॉस्टल एक पूरा फुल बिल्डिंग रहेगा, पूरा गर्ल्स हॉस्टल, और थोड़ा और दूर में एक बॉयज हॉस्टल रहेगा जो फुल रहेगा। ये मेनली ढाका या सिटी बेस्ड कॉलेजेस का ये फीचर है, बट अगर किसी को हॉस्टल बेस्ड चाहिए कि भाई हॉस्टल भी कैंपस के अंदर हो, कॉलेज सब कुछ के एक कैंपस में हो, तो ढाका के बाहर जाना होगा, जैसे ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज है, सदर, कुछ कॉलेजेस हैं, बाबी जी सी ट्रस्ट मेडिकल कॉलेज, ये सब क्या बड़े बड़े जमीन में फैला हुआ है, ये पॉसिबल नहीं है। ढाका का लैंड प्राइस पेरिस और यूएस न्यूयॉर्क से भी ज्यादा है, मतलब अगर आप गूगल करके देख लेंगे तो वहां लैंड बहुत मुश्किल है। अगर उतना बड़ा कैंपस खोलेंगे तो शायद वहां भी 1 करोड़ रुपए के नीचे कॉलेज की फीस नहीं हो पाएगी, जो कि अभी 25-30 लाख हो जाती है। तो फैक्टर है हॉस्टल जो है, अगर सिटी बेस्ड कॉलेज है तो मैक्सिमम केसेस में आपका आसपास वॉकिंग डिस्टेंस में हॉस्टल जाना पड़ता है, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस होता है। हॉस्टल के अंदर सारी फैसिलिटीज, खाना पीना, रहना, कपड़ा धोना, उसके लिए मासी वगैरह सब कुछ अरेंज्ड है, ठीक है, सेल्फ कुछ सेल्फ कुकिंग करो, सेल्फ कपड़ा धो, सेल्फ ये कुछ है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है वहां पर वो इंडिया में ऐसा होता है मासी को बुला लो, 1500 रुपया दे दो, सब कुछ करके चले, उस टाइप का सिस्टम वहां भी चलता है। ये वो हॉस्टल की बात।
अब आते हैं आपके हॉस्पिटल के बाद। बांग्लादेश में मेडिकल कॉलेज अगर आपको खोलना है तो आपको एक रनिंग हॉस्पिटल मैंडेटरी, अगर आपके पास रनिंग हॉस्पिटल नहीं है तो आप मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए एप्लीकेशन ही नहीं दे सकते। ये वहां पर मतलब पहले हॉस्पिटल होगा फिर मेडिकल कॉलेज होगा, पहले मेडिकल कॉलेज होगा फिर वो हॉस्पिटल खोजने निकलेगा कि चलो किसी के साथ टाइप कर लिया जाए ताकि हम उसको प्रैक्टिकल यहाँ करवाएंगे, ये सब सिस्टम नहीं है वहां पर। कॉलेज और हॉस्पिटल एक कैंपस में होगा, भले हॉस्टल बाहर हो इन हॉस्पिटल एक ही कैंपस में होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो दूर भी नहीं हो सकता कि चलो हम 5 किलोमीटर दूर वाले एक हॉस्पिटल के साथ हम टाइप करें, इवन 500 मीटर दूर वाला हॉस्पिटल नहीं चलेगा, इट हैज टू बी इन द सेम विद इन 100 मीटर आपका सारा कुछ होना चाहिए। मतलब एक तौर पे बता रहा हूँ, ऐसे कई कॉलेजेस हैं जिनके दो दो हॉस्पिटल हैं, बट एक हॉस्पिटल तो वहां होना ही चाहिए, दूसरा हॉस्पिटल दूर हो ही सकता है बट एक हॉस्पिटल कॉलेज के साथ होना पड़ेगा, और जो टीचर पढ़ाते हैं वो उसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं और फिर शाम को पढ़ाते हैं, शाम को प्रैक्टिस करते हैं सुबह पढ़ाते हैं, ये वैसा सिस्टम होता है। अच्छा, क्या बांग्लादेश में भी बहुत सारे जो आप एड और ये सारी सुनते रहते हैं इंडियन मेस, तो क्या बांग्लादेश में भी आप लोग इंडियन मेस चलाते हैं? जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैं बांग्लादेश, तो फूड हैबिट्स काफी सिमिलर है नॉर्थ ईस्ट से। मैं खुल के बता दूं, देखिए मैं इंडियन मेस में क्या होता है, इंडियन मेस में क्या होता है आपको पहले समझना पड़ेगा। इंडियन खाने का सबसे बेस क्या है, वो है मसाला, स्पाइसेस, आलू प्याज अदरक लहसुन और मसाले, गरम मसाले, ये मसाले, वो मसाले, अब जितने भी एमडीएच के सारे मसालों का लिस्ट आप देख लिए, हर मसाले, इन मसालों का कॉम्बिनेशन से अगर खाना बनता है तो हम उनको बोल सकते हैं इंडियन खाना, क्योंकि ऐसे तो इंडिया का ही खाना बहुत है। कश्मीर में वाजवान थाली मिलती है, साउथ में नारियल तेल में खाना होता है, लेमन राइस, जीरा राइस, ईस्ट में आप जाइए तो गुजराती थाली है, और नॉर्थ एकदम नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए तो वहां पर अलग ही पूरा खाना है, ब्लैक राइस की खीर बनती है वहां पर, काफी डाइवर्स है बिल्कुल। इंडियन फूड बोलना एक बहुत बड़ा मतलब मिस्टेक है, कोई भी अगर बोले मेरे पास इंडियन फूड अवेलेबल है तो इतनी वैरायटी के साथ 5-star होटल, इंडिया का टॉप 5-star होटल भी इंडियन फूड, मैं इंडियन फूड बोलूंगा वो नहीं दे पाएगा, बहुत सारे ऐसे इंडियन फूड है जो नहीं। जनरली इंडियन फूड का मतलब जो हम लोग परसीव करते हैं या बच्चों को या पेरेंट्स को समझाते हैं वो है रोटी, सब्जी, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन, फिश, अंडा, और वेजिटेरियन है तो पनीर, सोयाबीन और सीजनल वेजिटेबल, ये है। और इसका प्रिपरेशन जो होता है वो सिर्फ बॉईल करके खा लिया, वो सिस्टम नहीं, मसाले दे करके सब्जी बनाई जाए, थोड़ा तेल ज्यादा हो कहीं पर होता है कम होता है, तो ओवरऑल जो पैलेट है हमारा और बांग्लादेश का वो एकदम सिमिलर है। अगर आप कोलकाता कभी आते हैं और कोलकाता का खाना खा करके आप बोलते हैं ठीक है मैं एडजस्ट आराम से कर सकता हूँ, बांग्लादेश में आप आराम से एडजस्ट कर सकते हैं विदाउट हैविंग एन इंडियन मेस, और इंडियन मेस का कोई जरूर, इंडियन मेस बोल के कुछ नहीं होता, बांग्लादेश मेस इज इंडियन मेस। Okay. वहां पर रोटी थोड़ा मुश्किल होता है मिलने में, तो आपको हो सकता है 500 रुपए महीना बढ़ाना पड़े, आपको 5 लोग मिलकर के 500 रुपए ज्यादा देंगे तो वहां जो मासी आती है वो रोटी बना के चली जाएगी, तो पर हेड 100 रुपया पर पर्सन आपका पूरे मंथ में एक्स्ट्रा पड़ रहा है, मतलब पर डे शायद 3 रुपया करके आप एक्स्ट्रा देते हैं तो आपको रोटी बनाने वाला मिल जाता है, जिससे आप 5 रोटी भी बनवा लीजिए, 10 रोटी बनवा लीजिए, आटा वगैरह सब। मनीष जी, आप जो आगे का जो सवाल है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो फैकल्टी हैं, जो टीचर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, तो वहाँ टीचर्स किस, क्या एलिजिबिलिटी या रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट क्या तय करती है, मतलब क्या एमबीबीएस पास आउट भी वहाँ टीचर्स बन सकते हैं, या फिर उसके लिए उनको एमडी या एमएस की पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम, या पीएचडी होना चाहिए, तो इसमें बांग्लादेश का क्या सिस्टम है फैकल्टी रिक्रूटमेंट का, या जो भी वहाँ पे अपॉइंटमेंट होता है कॉलेजेस में? मैं आपको बताता हूँ, बांग्लादेश में जो टीचर होता है किसी भी डिपार्टमेंट में, लगभग 19 डिपार्टमेंट है मेडिकल एजुकेशन में, बेसिक स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि यूज्ड हो चुका है इस 3 डिपार्टमेंट का पूरा एक्टिविटीज देखने के लिए, तो इन 3 डिपार्टमेंट से मैं बोलूंगा, बाकी डिपार्टमेंट भी उसी चीज को फॉलो करती है एक्सेप्ट एक दो स्पेशलाइज्ड, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में उसमें इतने टीचर्स नहीं हो सकते, उसमें एक और दो टीचर है तो वही बहुत है, क्योंकि डिपार्टमेंट में 10 टीचर रखना पॉसिबल नहीं है, बट इन जनरल सारे डिपार्टमेंट यही फॉलो करते हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ, फॉर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। किसी भी डिपार्टमेंट में 3 तरह के टीचर होते हैं, एक है प्रोफेसर, प्रोफेसर जो एसओडी होते हैं, एक या दो प्रोफेसर होते हैं जो एक एचओडी होता है उसमें, दूसरे एसोसिएट प्रोफेसर, तो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर ये या तो एमडीएमएस हो या फिर एमबीबीएस प्लस एफआरसीएस या जो भी आपके पोस्ट ग्रेजुएशन एक डिग्री डिप्लोमा करके होंगे तभी उनको ये डिग्री मिली, और तीसरा होता है ट्यूटर या फिर लेक्चरर जिसको बोलते हैं। इसमें बताया नहीं है, 100 सीट्स है, मान लीजिए 100 सीट्स है टोटल, अब 100 बच्चों का एक साथ क्लास लेता है लेक्चरर या फिर प्रोफेसर जो कि एमडी है, वो बच्चों को इन जनरल सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, इसके बाद 15 से 20 बच्चों का एक एक बैच बन जाता है जिसको एक एक ट्यूटर पढ़ाता है, उसी क्लास को बेस करके उसके प्रैक्टिकल को लेकर के एक एक टीचर पढ़ाता है, ये टीचर नॉर्मली एमबीबीएस ही होते हैं।
बट नॉन एमबीबीएस कोई भी बांग्लादेश में नहीं पढ़ा सकता, जो कि कई कंट्रीज में नॉन एमबीबीएस भी एमएस डिप्लोमा एनाटॉमी किया हुआ है, एमडी एनाटॉमी किया हुआ है, या वो सब भी पढ़ा सकते हैं, बट बांग्लादेश में कोई भी टीचर भले वो कुछ भी पोजीशन होल्ड करता हो एज ए टीचर, उसको एमबीबीएस मिनिमम करना है। एमएस एमडी ये सब लेक्चरर हो जाते हैं कई कई फील्ड में, तो एमएस एमडी वाले खाली एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री में ही एमबीबीएस के कुछ आ जाते हैं, बट बाकी जो सब्जेक्ट्स है उसमें तो जिस स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है, अब किसी को ऑर्थोपेडिक्स का क्लास लेना है वो तो एमबीबीएस टीचर ले ही नहीं सकता, एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री फिर भी ले सकते हैं, लेकिन बाकी जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स है उसके लिए सारे स्पेशलाइज्ड टीचर्स ही होते हैं। अगला सवाल आपसे ये करूंगा, ये दो सवाल है लेकिन एक में मैं जोड़ देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स या जो स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में ये चलता है, बांग्लादेश एक मुस्लिम बाहुल्य कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, तो वहां पे हिंदू बच्चों के साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है, एक तो सवाल ये रहे, या मुस्लिम बच्चों के साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे होता है, और क्या वहाँ पे क्राइम रेट क्या है, क्या बच्चे सेफ सिक्योर कितने रह सकते हैं, खास करके जो लड़कियां हैं, क्योंकि लड़कियों को लेके पेरेंट्स का काफी ये कंसर्न रहता है, क्योंकि घर से बच्ची जा रही है दूसरे देश में जा रही है, तो क्राइम रेट का क्या वहां पे स्टेटस है? देखिए मैं पहले आपको रिलीजियस वाला चीज बता दूं, क्योंकि इंडिया में काफी इस क्वेश्चन को लेकर के मतलब बोला जाता है, मैं आपको लिटरली बताऊं, मैं हर वीडियो में अपने बच्चों से डायरेक्ट ये क्वेश्चन करता हूं जो वहां 3 साल 4 साल 5 साल से हैं, और कुछ लोगों को तो मतलब बहुत बुरा लगता है कि भाई आप लोग बांग्लादेश के लेकर के यही सवाल हर जगह पूछते हो, और मतलब बांग्लादेश के जो लोग है वो मुझे नीचे में लिखते हैं कमेंट कि भाई आप जो सवाल करते हो लगता है इंडिया में लोग इसके बारे में ज्यादा कंसर्न है ज्यादा देन एनीथिंग एल्स, जो कि सच्चाई है। देखिए बच्चे को अगर आप भेजा 18 साल के एक बच्चे को अपने घर से दूर भेज रहे हो तो आप ये सब सवाल करोगे, मतलब इसमें कोई गलती नहीं है सवाल करने में, लेकिन उसके बैकग्राउंड को आपको समझना पड़ेगा। पहली बात मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, बांग्लादेश इज नॉट एन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, इट्स पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। आप कंट्री के किसी नाम से ही आपको आइडिया हो जाएगी कि बांग्लादेश का क्या है। बांग्लादेश का जो फुल है वो है गणो प्रजातंत्र बांग्लादेश, जिसको बोलते हैं बंगाली में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, मतलब वहां पर रिलीजन को नहीं पब्लिक को फोकस किया जाता है। अगर आप वहां पर टोटल पॉपुलेशन देखें ऑलमोस्ट अभी अनऑफिशियली 18 करोड़ के आसपास है, ऑफिशियली 17 पॉइंट समथिंग करोड़, जिसमें 89% जो है वो आपका रिलीजन है वो मुस्लिम रिलीजन है 2011 इंडेक्स के हिसाब से, और ऑलमोस्ट 10% मतलब जो कि आप अगर देखेंगे ऑलमोस्ट 1.78 ऑलमोस्ट 2 करोड़ अगर करंट रिसेंट अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2 से 2.5 करोड़ के बीच में नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है वहां पर, जिसमें से 2 करोड़ 2.25 करोड़ तक हिंदू पॉपुलेशन है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। दिल्ली का पॉपुलेशन में जितना हिंदू नहीं रहते उतना बांग्लादेश के टोटल पॉपुलेशन में रहती है, जितना नेपाल का टोटल पॉपुलेशन है उतना बांग्लादेश में हिंदू पॉपुलेशन है। तो अगर आप इस चीज को देखेंगे तो इससे आपको एक आइडिया होगा कि भाई वहां पर ऐसा नहीं कि वो पाकिस्तान नहीं है, वो अफगानिस्तान नहीं है, लोग इसको रिलेट कर देते हैं। बांग्लादेश में मैं खुद एज ए हिंदू 12-13 साल से काम कर रहा हूं, ठीक है, और आज तक मुझे कोई रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को नहीं मिली। बहुत तरह की डिस्क्रिमिनेशन मिली है, मैं नहीं बोलूंगा कि हर चीज परफेक्ट है, मैं करता हूं तो सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। इवन इंडिया में मुझे कई जगह पर रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन मिली है, मैं आपको मतलब नाम नहीं लिया, मुझे मैंने फेस किया है, बिकॉज़ आई एम नॉट फ्रॉम दिस रिलीजन और मे बी आई एम नॉट फ्रॉम दिस रीजन, मुझे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, बट आई नेवर फेस दैट इन बांग्लादेश। मैं एकदम ऑन ईयर बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बांग्लादेश इंडिया से बहुत ये हो गया, मैं बिजनेस करता हूँ इसलिए सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं जो मैंने फेस किया है, बच्चों से भी मैंने कम से कम मेरे 200 बच्चों से ऊपर मैंने इंटरव्यूज है, आप मेरे यूट्यूब चैनल में भी आप देखे होंगे, हर बच्चों से मैं ओपनली ब्लंटली पूछता हूँ, मैं पेरेंट्स से पूछता हूँ। देखिए जाने से पहले परसेप्शन रहता है क्योंकि देयर वाज अ टाइम इंडिया बांग्लादेश का पार्टीशन, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, उस समय ईस्ट पाकिस्तान रहा, तो पार्टीशन के समय डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी इंडिया पाकिस्तान में भी, बट बांग्लादेश हमेशा से एक बोलते हैं ना कल्चर को, बांग्ला कल्चर को हमेशा डोमिनेंस मिला है, बांग्ला लैंग्वेज को हमेशा डोमिनेंस मिला है, और बांग्लादेश एकमात्र कंट्री जो रिलीजन के कारण नहीं लैंग्वेज के कारण इंडिपेंडेंस हासिल किया, आप समझिए, मतलब वो एक इस्लामिक कंट्री बनने में इंटरेस्ट नहीं है, वो बंगाली कंट्री बनने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है। अगर आप इतिहास को पढ़िएगा कि उनको इस्लाम इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं बोलूंगा कि भी बोलेंगे भी इस्लाम से ऊपर है, लेकिन उनके लिए लैंग्वेज कल्चर वॉज मोर इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई दे लेफ्ट पाकिस्तान। आज अगर वो पाकिस्तान में रहता तो शायद वो भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, भाषा में वर्ल्ड इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे भी बांग्लादेश के उस दिन को ही माना जाता है, और रिलीजियस कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अभी पीएम मोदी के ही भाषण आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, जब वो भाषण देते हैं बांग्लादेश जाकर उसको आप सुनिए, ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर ही सब भाषण होती है, वहां पर मंदिरों में गए हैं, वो ढाकेश्वरी मंदिर में गए, मैं खुद गया हूँ, वहां पर गुरुद्वारे तक है जहां पर लंगर मिलती है,
लोगों को आइडिया नहीं है। मैं खुद वहां पर रोटी और तड़का आपको बांग्लादेश के शायद रेस्टोरेंट में ना मिले, लेकिन आपको वहां के गुरुद्वारे में मिल जाएगा। तो वहां पर सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गुरुद्वारे में फ्री लंगर मैंने खाए गुरुद्वारा इन ढाका, लोगों को आइडिया भी नहीं है। मंदिर की तो मैं सेकंड बात कर रहा हूँ, मैं गुरुद्वारे की बात कर रहा हूँ, चर्च की बात कर रहा हूँ। मेरे क्रिश्चियन बच्चे हैं जो वहां पर हर संडे को प्रेयर में जाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बांग्लादेश कॉलेज को चुना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई, और वो भी ऐसा नहीं कि मतलब वहां पर इंटरनेशनल बच्चों के लिए है, वहां लोकल भी बहुत बुद्धिस्ट क्रिश्चियन मुस्लिम इंडियन हिंदू सब रहते हैं। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, सरस्वती पूजा जो होती है वो बंगाली कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा वहां के सारे कॉलेज, कॉलेज का नाम होगा अनवर खान मॉडर्न मेडिकल कॉलेज, बट अनवर खान साहब खुद फंड देते हैं, 10 लाख रुपए लो, 5 लाख रुपए लो, अमाउंट में नहीं जाता, ये लो और अच्छे से सेलिब्रेट करो, ठीक है। और उसमें हिंदू मुस्लिम टीचर सब जुड़ते हैं। और आखिरी लाइन में बताना चाहूंगा, भूल जाइए हिंदू मुस्लिम रिलीजन स्टूडेंट का, जो टीचर्स होते हैं हर कॉलेज में कम से कम 5% से ऊपर हिंदू टीचर्स होते हैं। कुछ कॉलेजेस में आपका नाम बताता हूँ, बीजीसी ट्रस्ट मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है वो खुद हिंदू है, अरुण बप्पा सर। कई और भी कॉलेजेस है, मैं तो बता सकता हूँ कि अगर रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन होता तो क्या एक प्रिंसिपल उस पोजिशन में जा पाता, मतलब ये सब आप एक जज कर सकते हैं। और सेफ्टी इंडेक्स की बात करूं, ये बहुत बड़ा एक हॉक्स बना के रखा है, बांग्लादेश सेफ नहीं है। आज से 15 साल पहले सच में ये था, मैं आपको खुल बताऊं, क्योंकि वहां बेरोजगारी थी। इंडिया के भी किसी भी कॉर्नर में आप चले जाइए, बड़ा बेरोजगारी है, सिटी है, फ्रांस में भी चिंता ही होती है। फ्रांस में, पेरिस में फ्रेंड गए थे, उनका पर्स मार लिया गया चाकू दिखा के, यूके यूएस में होता है। तो देखिए, आपको अपनी सेफ्टी अपने हिसाब से रखनी है, बट सेफ्टी इंडेक्स इन जनरल अगर आप देखेंगे उसमें बहुत कुछ आता है, भाई रात को कितना सेफ है, लड़कियां कितना सेफ है, रेप कैसा, रेप वगैरह होता है, कि सारी चीजों को अगर कंपिलाइट करेंगे तो बांग्लादेश का सेफ्टी इंडेक्स ना सो कॉल्ड टॉप कंट्रीज जहां पर अब्रॉड जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, उससे बहुत ऊपर है, इवन इंडिया के ऊपर आ जाता है कई मामले में एज अ सेफ्टी इंडेक्स बांग्लादेश। बिल्कुल मनीष, जो कॉलेजेस हैं जिसमें इंडियन बच्चे या जो फॉरेन नेशनल्स, मैक्सिमम इंडियन बच्चे की बात नहीं करूंगा क्योंकि नेपाल के भी बच्चे जाते हैं, श्रीलंका से भी बच्चे जाते हैं, भूटान के जो करेंट प्राइम मिनिस्टर है वो खुद बांग्लादेश से MBBS करके वो प्रैक्टिस करते हैं, तो समझ सकते हैं कि उस लेवल के वो तो अफोर्ड कर ही सकते थे ना, वो तो एम्स भी अफोर्ड कर सकते थे, वो किसी हार्वर्ड भी अफोर्ड कर सकते थे, पैसे के तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब ऐसा किंग अगर तो, फिर भी बांग्लादेश के मेडिकल एजुकेशन को पसंद आया, वहां पर पढ़े, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर कॉलेज का ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब सेम ही है, ऑलमोस्ट क्या सेम, ऑलमोस्ट नहीं नहीं, ऑलमोस्ट ये मिनिमम क्राइटेरिया है। मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने क्राइटेरिया आपको बताया 60% पीसीबी, और वहां क्लास 10 का भी मार्क्स देखा जाता है, उससे एक जीपीए बनता है, वो कैलकुलेशन करना होता है, ऑलमोस्ट 7 GPA मिनिमम बोलते हैं, 10 और 12 मिला के। तो बांग्लादेश के हर कॉलेज का ये मिनिमम क्राइटेरिया है, बट कुछ कॉलेज इससे ज्यादा भी मांगते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं होली फैमिली, अनवर खान, बांग्लादेश मेडिकल, कुछ ये सब जो कुछ कॉलेजेस हैं वो 70% के ऊपर मांगते हैं बायोलॉजी, 80% के ऊपर, कुछ ढाका नेशनल 80% के ऊपर भी मांगते हैं बायोलॉजी, एग्रीगेट मार्क्स मांगते हैं 80% 70%, क्योंकि वो अपना जो स्टैंडर्ड बनाए हैं, या सिर्फ बायोलॉजी। देखिए नॉर्मली बायोलॉजी को वहां पर बहुत फोकस दिया जाता है, उनके हिसाब से बायोलॉजी इज द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, हमारे यहाँ फिजिक्स को भी इक्वल प्रायोरिटी दे देते हैं, वो पीसीबी ही मानते हैं, बट बायोलॉजी अगर 80% है और फेस के में से 60% भी है तो वो एक मान लेते हैं कि हाँ पे, तो बायोलॉजी एक हमेशा रहता है, लेकिन ओवरऑल उनका सिस्टम है जीपीए कैलकुलेट करने का, तो वो जीपीए 5 जीपीए 4 ये करते हैं, उसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं, एक बार सीख लेने से कोई भी जान लेगा, बट बच्चे को सीख के तो फायदा नहीं, हम उनको कैलकुलेट करके बता देते हैं कि भाई ये जीपीए, तो 70-80% के ऊपर अगर फेस सेमेस्टर बायोलॉजी रहती है तो इजिली हर कॉलेज एक्सेप्ट करता है, 60% इज द मिनिमम, इट्स नॉट लाइक कि सब कॉलेज में हो जाएगा, कुछ कॉलेज में नहीं भी होते हैं, और सीट सब बच जाती है तो फिर ले लेते हैं 80% के, 70 वाले को भी ले लेते हैं। बांग्लादेश में जो मिनिमम फी स्ट्रक्चर है या मैक्सिमम, मिनिमम कहां से शुरू होता है, मैक्सिमम कहां पे जाके एंड होता है फॉरेन नेशनल के लिए? मिनिमम मैं आपको बताऊं $32,000 ये मिनिमम फीस है बांग्लादेश के किसी भी कॉलेज, ये ओनली ट्यूशन फी है, इंक्लूडिंग हॉस्टल, ट्यूशन और हॉस्टल मिला के और ये ढाका के बाहर के कॉलेज का, ट्यूशन और हॉस्टल मिला के $32,000, कुछ कॉलेजेस में $33,000। देखिए बांग्लादेश में 4 हिडन फीस होती है, मैं आपको खुल के बताऊं, कुछ कॉलेज जो हिडन करते हैं, मैं हिडन होती नहीं है, इन कुछ कॉलेज अपने फीस स्ट्रक्चर में उसको हिडन कर देते हैं, चार क्या क्या, एक जो है ट्यूशन फीस, ठीक है, हॉस्टल फीस, एक है गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फीस जो कि $1,500 से $2,000 होता है, कई कॉलेज उसको फीस का पार्ट रखते हैं, कई कॉलेज उसमें अलग से लिख देते हैं पेबल एज पर
गवर्नमेंट रूल, बट वो लिखा नहीं रहता अमाउंट, बच्चे को जाने के बाद मिलते। कई ऐसे कॉलेज जो $35,000 लिखा है बट ये $2,000 उनको जाके देना है, मतलब एक्चुअली 37 है, लिखा हुआ 35 है। और कई कॉलेज में लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल, तो पढ़ने का देखिए फी स्ट्रक्चर बांग्लादेश का ना एक सिस्टम का नहीं है, ऐसे कई कंट्रीज के फी स्ट्रक्चर होते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर एकदम लिखा हुआ है, बट यहाँ के लेटर हेड पे फी स्ट्रक्चर आती है और उसमें ना कुछ क्राइटेरिया वगैरह सब लिखे रहते हैं। तो प्रॉपर तरीके से पढ़ना फी स्ट्रक्चर को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि $2,000-$3,000 छिपाया जाता है बाय सम ऑफ द न्यू कॉलेजेस ऑफ बांग्लादेश, कि भाई वो लिख देते हैं 33 लेकिन है एक्चुअली 36। आप देखेंगे यहाँ वहां करके कई बार होता है हॉस्टल फीस लिखते ही नहीं है 90% केस, कई केसेस में क्या हॉस्टल फीस इंक्लूसिव रहता है, मान के चलते कई कॉलेज कुछ नहीं लिखते हैं, जाओगे तब आपको बताएगा भाई $100 पर है, अगर कुछ हिडन चार्जेस है भी तो कितने हैं, आप रिटर्न ले लेने चाहिए। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, $32,000 विद हॉस्टल जो कि 23 लाख के आसपास आता है, ये मिनिमम है, 23 लाख के आसपास ये मिनिमम है, इससे कम में कोई भी कॉलेज नहीं है बांग्लादेश में। इससे कम में अगर कोई कॉलेज को प्रमोट करते हैं तो वो एक फॉर्जरी हो सकती है, या फिर ऐसे किसी कॉलेज को प्रमोट कर दे रहे हैं जो कि लिस्ट में नहीं है, डिलिस्ट हो चुका है, इस तरीके के बहुत फॉर्जरी। देखिए इंडिया में भी ऐसे कई कॉलेज मेडिकल कॉलेज इंडिया में है जो रूल नहीं है उनको पढ़ाने का, बट वहां पर इंडियन बच्चे एडमिशन लेकर के एमबीबीएस कर रहे हैं। तो सेम चीज बांग्लादेश में भी एक दो कॉलेज करते हैं, बोलते हैं हम सुप्रीम कोर्ट से लड़ रहे हैं, हमारे पास हाईकोर्ट का ऑर्डर है, ये है हेन तेन है, पर कुछ ना कुछ पेपर वर्क है उनके पास। बट मेरा कहना है कि जब आप अब्रॉड मेडिकल पढ़ने जा रहे हैं तो आप पेपर वर्क पे ना, आप क्यों रिस्क लेंगे ना, 1,00,000 लोग 2,00,000 के लिए रिस्क में घुसना ही क्यों है, अपने कंट्री में सब रिस्क है। मैक्सिमम आपका 40 लाख तक भी जाता है, जैसे मैं आपको बताऊं ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज, होली फैमिली मेडिकल कॉलेज, ये सब आपका ट्यूशन हॉस्टल मिला के $54,000 जो कि अप्रोक्सीमेटली 40 लाख के आसपास आ जाता है खाने का। अलग खाने का वहां पर इंक्लूड कोई भी कॉलेज नहीं करता एक्सेप्ट वन कॉलेज, टीएमएसएस मेडिकल कॉलेज, जो $40,000 इंक्लूडिंग फूड है। वो उस कॉलेज के बारे में मैं क्या बताऊं, वो कॉलेज में अगर आप हम कभी भी जाए, वो मतलब वो 24/7 लंगर चलाता है, हर पेरेंट टीचर कोई भी जाए खाना फ्री है जब भी जाए। एक अजीब एक अलग ही दुनिया है ये, मतलब सोचने में ही अजीब लगता है। वो एनजीओ है मतलब बहुत ही, कभी उस कॉलेज के बारे में अलग से लाइव किया जाएगा तो हम उनके बुला के बताएंगे। तो वो एक कॉलेज है जिसमें फूड भी फ्री है, वैसे बाकी हर जगह पे 2,000-2,500 मैक्सिमम 3,000 इंडियन करेंसी से 1 रुपया ज्यादा नहीं लगता अगर बच्चा हॉस्टल का फूड खाता है, रोटी सब्जी दाल चिकन फिश सब अंडा सब मिला के। ओके ये अच्छा, ये मोड ऑफ पेमेंट कैसे होता है, कैसे पेमेंट करना पड़ता है? देखिए बांग्लादेश में मोड ऑफ पेमेंट को लेकर के ही सबसे बड़ा एक नेगेटिव परसेप्शन भी और नेगेटिव कुछ चीजें हैं। बांग्लादेश के जो टॉप कॉलेजेस होते हैं ना उनका फर्स्ट ईयर का ही फीस ऑलमोस्ट 18-19 से 22 लाख तक हो जाता है। जैसे मैं ढाका नेशनल की बताऊं, टोटल फीस 40 लाख के आसपास आ रही है, फर्स्ट ईयर का फीस ही 22 लाख है, प्लस उसका फीस का ब्रेकअप और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको पढ़ करके आपको समझना पड़ता है। बांग्लादेश का फीस वो पर ईयर वाले इक्वल में नहीं होता, बट मिनिमम जो फर्स्ट ईयर का फीस है 7 लाख के नीचे कोई कॉलेज नहीं है बांग्लादेश में जिसका फर्स्ट ईयर फीस 7 लाख है, उससे कम में कोई कॉलेज ही नहीं है। और टोटल फीस का जो मैक्सिमम देखेंगे कुछ केसेस में 30% और कुछ केस में 60% तक फर्स्ट ईयर टोटल फीस का फर्स्ट ईयर फीस होता है। जैसे मैं 40 लाख का अगर 23 लाख आपका फर्स्ट ईयर में ले ले रहे हैं ढाका नेशनल तो ऑलमोस्ट 60% है, और जब बीजीसी ट्रस्ट मेडिकल कॉलेज में 24 लाख के आसपास टोटल फीस आती है 23.5 समथिंग, उसमें फर्स्ट ईयर में 7 लाख के आसपास आता है जो कि ऑलमोस्ट 25-30% है। तो मिनिमम में 25% के नीचे कुछ है ही नहीं किसी भी कॉलेज का। मैं इन जनरल फर्स्ट ईयर में 10-15 लाख ये एवरेज हर कॉलेज का बांग्लादेश का, कुछ एक्सेप्शन है एक दो। उसके बाद जो रेस्ट अमाउंट होता है तो क्या इंस्टॉलमेंट कर दिया जाता है, वो कितने वो 4 साल में इंस्टॉलमेंट में हो जाता है। देखिए फर्स्ट ईयर में पेमेंट के बाद ना कोई भी चाहे तो वो एक रिक्वेस्ट करके 1-2 महीना 4 महीना 6 महीना का आराम से ले सकते हैं। इसके लिए कॉलेज कभी भी ऐसा दबाव नहीं देते कि आप एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, आपका अभी का भी क्लियर। फर्स्ट ईयर का पेमेंट ही है मेजर, इसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलते हैं, उसके बाद ज्यादा अमाउंट बचता भी नहीं है, 2-3 लाख पर ईयर, 4 लाख पर ईयर मैक्सिमम। फर्स्ट ईयर में कोई बच्चा कोई एक्स वाई जेड कॉलेज को चूज करता है जो उसके पसंदीदा कॉलेज है, लेकिन उसके वन टाइम पेमेंट देने के लिए उसके पास नहीं है, लेकिन उस पेमेंट को अगर टुकड़े में इंस्टॉलमेंट में कर दे 6 मंथ या 2 मंथ में या 3 मंथ में, ऐसे रिलीफ कॉलेज बच्चों को देता है क्या? जी नहीं, बांग्लादेश में ये एक नेगेटिव बोल सकते हैं बट यही रियलिटी है। बांग्लादेश के इवन लोकल बच्चे किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए फर्स्ट ईयर फीस 18.5 लाख रुपए है किसी भी कॉलेज में, मतलब वो नया कॉलेज हो पुराना कॉलेज हो, पहला साल का फीस हमेशा बांग्लादेश में हाई रहा है। वो तो इंडियन बच्चों को कुछ कुछ कॉलेज फिर भी मिल जाते हैं 9 लाख 10 लाख 7 लाख में, बट बांग्लादेश के कोई भी कॉलेज में अगर लोकल बच्चा एडमिशन लेगा तो 18 लाख।
इतने दिन से बांग्लादेश को देख रहे हैं, काफी करीब से देख रहे हैं, आपका सेकेंड होम बांग्लादेश कहा जा सकता है, ये वजह क्या है कि फर्स्ट ईयर में ही कॉलेज इतने पैसे चार्ज करते हैं? इसका क्या वजह? ये इसका वजह का पता लगाने के लिए, देखिए इस सवाल का जवाब मैं एक सवाल से ही करना चाहूंगा कि इंडिया में भी फर्स्ट ईयर में देखेंगे तो बहुत बड़ा बल्क अमाउंट लिया जाता है। अब उसको डेवलपमेंट फीस के नाम पे बोल लीजिए, मैनेजमेंट फीस के नाम पे बोल लीजिए, फीस के नाम पे बोलिए, कहीं ना कहीं आप देखेंगे इंडिया में एक सिस्टम है कि भाई आप अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिए आप छोड़ के नहीं जा सकते, आप छोड़ के जाएंगे तो 5 साल का फीस आपको पूरा दे के जाना पड़ेगा। अब इंटरनेशनल कंट्रीज तो ये चीज को फॉलो नहीं करा सकती, तो उन्होंने क्या किया, मैक्सिमम जो मेजर अमाउंट है वो ले लेते हैं कुछ एक्सेप्ट कुछ कंट्रीज को छोड़ के, और ताकि आप सेफ रहे कॉलेज को सीट अगर, क्योंकि आप छोड़ के भी चले जाते हैं, आप पासपोर्ट लेके भाग गए, डॉक्यूमेंट नहीं लिए, कंट्री तो कॉलेज तो बहुत बड़ा कोई एक्शन नहीं ले सकता, इंडियन गवर्नमेंट में तो फिर भी एक्शन पॉसिबल है पर इंटरनेशनल लेवल पे पॉसिबल नहीं है। तो ये एक रीजन आप समझ सकते हैं कि शायद मेजर फीस हो जाए, और ये वहां के लोकल के लिए भी है, मतलब ऐसा नहीं कि इंडियन बच्चों के साथ ही ऐसा कर रहे हैं, लोकल बच्चों के लिए भी वैसे ही सिस्टम है इंटरनेशनल, तो समहाउ दे आर यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ फी स्ट्रक्चर कि भाई हमें एक सिक्योरिटी के हिसाब से बड़ा अमाउंट मिल गया, अब धीरे धीरे वो जो वर्किंग कैपिटल, ये कैपिटल हो गया वो वर्किंग कैपिटल हो गया, काइंड ऑफ इस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो कि बाकी कोर्सेज में ऐसा नहीं है बट मेडिकल में बांग्लादेश में है। आखिरी सवाल रहेगा आपसे सार, क्योंकि बहुत वो इम्पोर्टेंट सवाल है, लेकिन उससे पहले आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा, एज ए कंसल्टेंट नहीं बताइएगा, एज ए पेरेंट, अगर आपको ये कहा जाए कि बांग्लादेश के कुछ कॉलेजों को प्रेफर बच्चों के लिए बताइए, या उसको किस कॉलेज में बच्चों को पढ़ने जाना चाहिए खास करके, क्योंकि 90 कॉलेजों में चुन पाना बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल है, आपके हिसाब से बांग्लादेश के वो कौन कौन से कॉलेज हो सकते हैं जिसमें इंडियन बच्चों को पढ़ने जाना चाहिए और वो एजुकेशन के लिए परफेक्ट हो, जहां पे पढ़ाया जा रहा हो? मैं आपको खुलकर बताऊं, देखिए हर कॉलेज में ना एक रीजनलिज्म तो आ ही चुका है, जैसे कुछ कॉलेज में कश्मीर से बच्चे ज्यादा हैं, कुछ कॉलेज में मेदिनीपुर के बच्चे ज्यादा हैं, कुछ कॉलेज में आसाम के बच्चे ज्यादा हैं, कुछ कॉलेज में कोलकाता के बच्चे ज्यादा, इस टाइप के एक रीजनलिज्म तो हो ही जाता है, क्योंकि एक कॉलेज में जब बल्क जाते हैं फिर बाकी सारे वहीं से जाने लगते हैं और 6 सीट को जल्दी भर कर लेते हैं, तो ये सिस्टम तो है ही। तो ये इन जनरल मुझे पहले मैं पूछता हूँ भाई बच्चा किस पार्ट ऑफ इंडिया से है, क्योंकि एक अगर मान लीजिए ऑलरेडी वेस्ट बंगाल का 20-50 बच्चा उधर पढ़ रहा है, उसके गांव का पढ़ रहा है, उसके स्कूल का पढ़ रहा है, उस कॉलेज में वो जाएगा तो फील एट होम होता है, एडजस्टमेंट बहुत आसान होता है। जब भी कोई बच्चा इंडिया से बाहर जाता है उसको एक एडजस्टमेंट तो करनी पड़ता है, खराब हो अच्छा हो जो भी हो, रहना खाना दोस्त यार उसका फैमिली सर्कल ये सब कुछ वहीं बनता है। तो हमेशा मैं इंडिया के किस पार्ट ऑफ इंडिया से वो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, मैं ये पहला मेरा सवाल रहता है, तब जाकर के मैं उसको एक दो कॉलेज का बताता हूँ। इन जनरल अगर आप बोले कॉस्मोपॉलिटन कॉलेज के हिसाब से देखा जाए तो अनवर खान मेडिकल कॉलेज इज अ कॉस्मोपॉलिटन कॉलेज, जिसमें अक्रॉस इंडिया हर तरह से बच्चे जाते हैं, वो किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट से ज्यादा बच्चे नहीं लेता। बीसीसी ट्रस्ट में, टीएमएसएस में थोड़ा मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट से ज्यादा है, फिर भी काफी हद तक दूसरे पार्ट ऑफ इंडिया से भी है पॉपुलर है। ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज में भी अक्रॉस इंडिया बच्चे पढ़ते हैं, तो ये सब कुछ कॉलेजेस के प्रेफरेंस में बता रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं जो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ अच्छे कॉलेज नहीं है, कुछ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भी कुछ रीजन के बच्चे ज्यादा आते हैं, तो संभव मैं भी उस कॉलेजेस में ज्यादा एसोसिएट हो गया। अब देखिए मेरे पास कश्मीर से बच्चे ज्यादा नहीं आते हैं, तो इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में कश्मीर से बच्चे ज्यादा जाते हैं, तो कैसा हूँ मैं इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज के साथ काम ही नहीं कर पाता हूँ, या फिर मैं वहां नहीं करता हूँ इसलिए कश्मीर के बच्चे भी मेरे पास नहीं आते, तो संभव ये भी मैटर करता है। तो ये रीजनल जो चीज है ना वो मैटर करती है कि भाई आप अगर गुजरात से आ रहे हो तो मैं हमेशा चाहूंगा ऐसे कॉलेज में भेज दूं जहां पर 15-20 गुजरात के बच्चे हैं, तो आप जाके इजीली यूज टू एडजस्ट हो जाओगे। ये पहले नहीं था, अब धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे बढ़ रहे हैं कुछ चीज हो रही है, बट इन जनरल अगर आप बोले सिर्फ और सिर्फ अगर एजुकेशन के बेस पे देखते हैं तो मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ ढाका के सेंटर के कॉलेजेस, जो ढाका कैपिटल और सेंटर में है, जहां पर पेशेंट फ्लो हमेशा 24/7 हाई रहता है। क्योंकि मैं जानता हूँ जो हमारे बच्चे हैं ना उनको ना रात 12 बजे फोन आता है कि चलो एक इमरजेंसी केस आया है आ जाओ ऑपरेशन थिएटर, ये तभी पॉसिबल है जब रात को 12 बजे पेशेंट आए तब ना टीचर आपको फोन कर सकते हैं। अब ऐसा कब पॉसिबल है सिटी के बीच में, अब सिटी के बाहर भी बच्चे जाते हैं तो अगर वो देखिए एकदम अगर रूरल पार्ट ऑफ किसी सिटी में चले जाते हैं तो वहाँ पेशेंट फ्लो डेफिनेटली कम रहेगा, वो इंडिया में भी सेम है। अब इंडिया में भी कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे जगह खोल लिया हाईवे पे खोल लिया, कोई बंदा वहां जाएगा ही नहीं, हॉस्पिटल जाते ही नहीं है, बस सुबह टीचर्स जाते हैं गाड़ी में लद के टीचर जाते हैं फिर शाम को गाड़ी में लद के, तो ऐसे भी कुछ कॉलेज बांग्लादेश में भी है। तो अगर आपका बजट नहीं है तो आपके पास वही ऑप्शन है, तो आपको समझना है कि भाई आपके बजट के हिसाब से क्या है। देखिए आप जितना गुड़ डालेंगे चीज उतना मीठा होगा, ये आपको सबको पता है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए होते तो फिर आप अब्रॉड ही नहीं जाते ना, फिर तो इंडिया में ही डीम्ड यूनिवर्सिटी की कमी है। तो आपके पास अगर बजट 20 लाख का है 22 लाख का, तो फिर आपको ये सोच के फायदा नहीं है कि भाई मैं अनवर खान में जाऊं, मैं ढाका नेशनल में जाऊं, मैं होली फैमिली में जाऊं। डेफिनेटली आपको उस लेवल के कॉलेज कोशिश की जाएगी बट सेम लेवल नहीं आ सकता,
अगर हम बोले चीप एंड बेस्ट इज एन ऑक्सीमोरॉन, अगर कोई चीज चीप है तो वो बेस्ट नहीं हो सकती, एकदम नॉर्मल सी बात है, बट पेरेंट्स मानने को तैयार नहीं है, और फिर जो मीठी मीठी बात करते हैं उनके बातों में फंस जाते हैं, नहीं सर मैं आपके लिए बताता हूँ, ये डिस्काउंट करा देता हूँ, वो कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, ये चीजों में बच्चे पेरेंट्स फंसते हैं, और फिर वो तो रेस्ट इज हिस्ट्री हमारे इंडस्ट्री। तो मनीष आज आज इस लाइव का आखिरी और सबसे अहम सवाल है, जो कि मेरे ख्याल से इवन इंडिया नेपाल बांग्लादेश कहने के लिए तो है, सार्क सीट्स हम लोग का सार्क कोटा कह देते हैं, ये सार्क कोटा के साथ साथ मैं सबको बता दूं जो लोग देख रहे हैं, नन सार्क कोटा भी बांग्लादेश में है, लेकिन चूंकि हम लोग सार्क नेशन में आते हैं तो सार्क की ही बात करते हैं, नन सार्क के ऊपर भी मनीष बताएंगे। तो ये सार्क कोटा कैसे बनाया गया, इसके पैमाना क्या रखा गया, इसके पैरामीटर्स क्या रखे गए, और कंट्री वाइज MBBS या BDS के लिए क्या सीट्स अलॉट किया जाता है और कौन करता है, और इसका सिलेक्शन कैसे होता है, क्या बच्चे डायरेक्ट इस सीट्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में आप जितना बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं बताइए। ये चूंकि ये टॉपिक अभी तक अनसुलझी है बच्चों के लिए और इस पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए सार्क कोटा नॉन सार्क कोटा दो टाइप ऑफ कोटा है बांग्लादेश के गवर्नमेंट कॉलेज में एंट्री के लिए। बांग्लादेश में मैंने अभी तक जितना भी सवाल का आपका जवाब दिया, ये सारे के सारे प्राइवेट कॉलेज अंडर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, मतलब जो डिग्री आपको मिलेगी वो आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ही मिलेगी, भले ही गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ो चाहे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ो, जो कि इंडिया में भी सिस्टम है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, ये सब क्या फाइनल डिग्री आप प्राइवेट पढ़ो गवर्नमेंट पढ़ो आपको फाइनल डिग्री यूनिवर्सिटी यही मिलेगी, बट जब आप पढ़ने जाते हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ेंगे, इसकी एक क्वेश्चन आती है। तो अभी तक मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी कि हाउ टू गेट एडमिशन इनटू प्राइवेट कॉलेजेस और डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेस के रैंकिंग वगैरह सब बताए। अब सार्क कोटा और नॉन सार्क कोटा है वहां की गवर्नमेंट कॉलेज के एडमिशन के लिए। देखिए सार्क कोटा में जो एडमिशन होती है उसमें टोटली पैसे फ्री है, ऑलमोस्ट 25-30 हजार रुपए, मतलब जो लोकल बच्चे देते हैं वही आपको देने हैं, 30-35 हजार रुपए पैसे और 200-300 रुपए हॉस्टल फीस, खाने पीने का जो खर्चा है, मतलब 1-1.5 लाख में आपका पूरा 5 साल का पढ़ाई कंप्लीट हो जाता है। तो हर कंट्री के लिए है, जैसे इंडिया के लिए 22 है, नेपाल के लिए 17-18 है, पाकिस्तान के लिए कुछ कोटा है, तो इस तरह के हर कंट्री का कोटा है। इस कोटा में एडमिशन का एप्लीकेशन जो है वो चालू हो जाता है नॉर्मली अक्टूबर नवंबर में, गवर्नमेंट से एकदम एम्बेसी से लेटर आती है, एक महीने तक उसमें एडमिशन चलता है, उसका प्रॉपर सारा डॉक्यूमेंटेशन एटेस्टेशन वेरिफिकेशन सब कुछ करके बच्चे को खुद जाके जमा करना पड़ता है। एज एन कंसल्टेंट वी डू हेल्प, क्योंकि एक बच्चे को शायद कुछ एटेस्टेशन फॉर्म भरने का तरीका है सब नहीं आता, हम हर साल कर रहे हैं तो हम उसको हेल्प करते हैं, वी चार्ज समथिंग और उसके बेस पे हम कर देते हैं। अब बात आती है कैसे सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन हर कंट्री का एक ही सिस्टम है, सारे जमा होगा एम्बसी में, एम्बसी उसको देगी, उसको भेजती है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बांग्लादेश। कई बार कुछ डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में नहीं पहुंच पाते हैं, ये सब चीजें होती है, उसका रीजन ये भी है कि कहीं ना कहीं एम्बसी आपको रिसीट नहीं देती है जब आप जमा करते हो, तो कहीं ना कहीं आप उन पर डिपेंडेंट हो जाते हो, तो कुछ थोड़ा तो गड़बड़ हो सकता है सिस्टम में, मैं आपको खुल के बताता हूँ, क्योंकि अगर सिस्टम एकदम ही ट्रांसपेरेंट कर दिया जाता तो आपने जमा किया आपको एम्बेसी ये बताना चाहते हैं कि सार्क कोटा सिलेक्शन में कहीं ना कहीं करप्शन जुड़ा हुआ है, ये बताना चाह रहे हैं क्या? देखिए कहीं ना कहीं करप्शन हुई तो है और इसीलिए तो पकड़ी भी गई है, करप्शन कभी ना कभी हुई थी इसीलिए तो पकड़ी गई, इसीलिए तो मीडिया में भी आई, कुछ कश्मीर के बच्चे 99 वाले नहीं एडमिशन लिए और किसी और बच्चे का हो गया, मतलब ये सब चीजें हुई तो है। मैं जज नहीं हूं कि मैं जज करूं, बट ओवरऑल सिस्टम में कहीं ना कहीं लूपहोल्स है जहां करप्शन के चांसेस हैं, क्योंकि इंडिया में भी है, इंडिया में भी स्ट्रेट राउंड में क्या होती है, जब फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड सीट खाली हो जाती है स्ट्रेट राउंड में, कैंपस में बुला करके अपने से पहले सेट किए बच्चों का एडमिशन ले लिया जाता है, तो जहां भी कहीं पर एक ऑप्शन रहेगा करप्शन एंट्री कर लेगा, क्योंकि करप्ट ब्रेन इज शार्पर देन हमारे और आपके ब्रेन से, ठीक है। तो मैं नहीं जा पा रहा हूं कि कहां पर प्रॉब्लम है, बट हाँ सिस्टम यही है कि आप एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट पूरा जमा करो, वो डॉक्यूमेंट वहां पहुंचेगी, वो पहुंच करके वहां पर देखी जाएगी, वहां पर कुछ भी आपका फॉर्म में गलती रहेगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अब वहीं पर आ जाता है कि भाई अगर कंसल्टेंट हो या कोई थोड़ा अंदर में कॉन्टैक्ट हो तो वो थोड़ा हेल्प कर सकता है कि भाई आपने अगर साइन मिसमैच भी हो गया आपका फॉर्म, तो साइन मिसमैच के लिए भी रिजेक्ट किया जा सकता है, कौन बोला कि आपका रिजेक्ट किया जा सकता है, तो रिजेक्ट करने के उनके पास कोई भी रीजन हो सकती है। तो बट इन जनरल वहां पर क्लास 12 के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और क्लास 10 के सारे मार्क्स को देख करके कंपेयर करके, जब टाई होती है तो बायोलॉजी को पहले फिर केमिस्ट्री को फिर फिजिक्स का, ये सब मार्क्स को देख करके आपका लिस्ट बनाया जाता है अंडर डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी।
इसके साथ कुछ केसेस में मैं गलत भी हो सकता हूँ, भले ये पेपर में नहीं है, कुछ केसेस में कुछ रेफरेंस लेटर फ्रॉम सम टॉप एमपी एमएलए से अब पीएम मोदी अगर लेटर भेजते हैं शेख हसीना जी को कि भाई ये एक बच्चा है इसको आप कर दीजिए, तो एक गवर्नमेंट तो भाई अपना एक कोटा बना दे, सात कोटा तो एग्जिस्टिंग है, वो तो शायद एक कोटा बना दे अगर एक गवर्नमेंट से एक बच्चे के लिए रिकमेंडेशन जाए, तो इस तरीके कुछ रिकमेंडेशन कैन हेल्प, क्योंकि इस केसेस में होते हैं कि डिजर्विंग बच्चा है, नंबर भले एक नंबर कम है बट एक बच्चा है जिसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है, तो ये सब केसेस में एक दो केसेस ऐसे होती है, बट इन जनरल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, आप जमा करिए डॉक्यूमेंट, आपका नाम आएगा, आप वहां से वीजा करिए, खुद से भी कर सकते हैं, बट कंसल्ट मनीष के किसी टेक्निकल वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, फिर वो उनको लाने की कोशिश हम कर रहे हैं। मनीष ने सही बोल रहा था, लेकिन उसमें एक चीज मैं और ऐड कर दूं आपको कि जो सार कोटा होता है ना, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो फॉरेन नेशनल को जो स्कॉलरशिप देती है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए, वो चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, फार्मेसी हो, बीए हो, बीएससी हो, म्यूजिक हो, फाइन आर्ट्स हो, जो भी कोर्सेज हर कंट्री को जो स्कॉलरशिप दिया जाता है, उसमें किसी किसी कंट्री में 25% पॉलिटिकल सीट्स होते हैं, जिसकी बात अभी मनीष कर रहे थे कि वहां पे पॉलिटिकली अप्रोच या उनके रिकमेंडेशन से होता है, वो पॉलिटिकली उनके जो दो देशों के जो एक बायलैटरल रिलेशन होता है उसके आधार पे होता है, अगर कोई उस तरह से वहां पे रिकमेंडेशन या किसी तरह से कोई चीज रिकमेंड नहीं पहुंचता, इस तरह के केसेस नहीं पहुंचते, तो सारे केसेस मेरिट के आधार पे तय होता है और मेरिट के आधार पे उस स्कॉलरशिप को दिया जाता है, तो ये सारी चीजें रहती हैं, और इसको ये सार्क सीट्स काफी अच्छा है, मैं चाहूंगा बच्चे अपने खुद से अप्लाई करें, बांग्लादेश जो भी जिस नेपाल के बच्चे अगर सुन रहे हैं तो नेपाल जो बांग्लादेश हाई कमीशन नेपाल है या फिर बांग्लादेश हाई कमीशन दिल्ली में कलकत्ता में, इनके वेबसाइट पे हर चीज अपडेट होते रहता है, आपको अगर किसी तरह की उसमें जरूरत है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मनीष से संपर्क कर सकते हैं, या जो भी आपको लगता है इस फील्ड के अच्छे जानकार हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंटेशन में गाइड कर सकते हैं, उनसे संपर्क कीजिए, आप भी अप्लाई कीजिए, अगर ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है तो मेरे ख्याल से आपको इस सार्क सेट्स के लिए अप्लाई करनी चाहिए, इसमें कोशिश करना चाहिए, चूंकि इसमें टोटल ट्यूशन फी फ्री हो जाता है, आपका एकोमेंडेशन फ्री हो जाता है और थोड़े बहुत स्टाइपेंड्स भी आपको मिलते हैं। तो आज हम लोगों ने बांग्लादेश की चर्चाएं की, अब काफी चीज ऐसे अनसुलझी पहेलियों की तरह था जिसके ऊपर हम लोग कोशिश किया कि उस पर बातचीत हो, बच्चों के बीच में, पेरेंट्स के बीच में, एक कंट्री के पूरी एजुकेशन सिस्टम कैसे शुरू हुआ, कैसे आया, कैसे यहाँ से बच्चे जाना शुरू हुए वहां पे, किस तरह से पढ़ाई का स्टैंडर्ड है, हॉस्पिटल किस तरीके से वहां पे रन होते हैं, एक मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश करने के लिए उस गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं, लगभग कोशिश की है, चूंकि एक एक टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है, तो हम लोग कोशिश किए कि इस एक घंटे के लाइव में हर चीज को एक ब्रीफ किया जाए, जिससे आपको आगे किसी चीज को पढ़ के या किसी को चीज को सुन के समझने में आसानी हो, या आप अपने बच्चे के लिए अगर बांग्लादेश एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो चाहे जिसके थ्रू लेना चाहें, आप डायरेक्ट लेना चाहें, कंसल्टेंट के थ्रू लेना चाहें, तो किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए और किन किन बातों को देखते हुए आपको एडमिशन, किसी बांग्लादेशी नहीं, मैं किसी भी कंट्री में चाहूंगा कि आप कीजिए, और हर कंट्री में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंक्लूडिंग है, जो भी डेवलपिंग कंट्री है वहां पे, खास करके डेवलप कंट्री में भी है, करप्शन होता है थोड़ा बहुत, तो उसको बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसको नजरअंदाज करनी पड़ती है, और आप समझदार हैं, आपके बच्चे नीट के एग्जाम कल दिए हुए हैं, और वो मैं उम्मीद करूंगा सबका रिजल्ट बहुत बेहतर आए, सब कोई बहुत अच्छा करे, और जो भी एक ड्रीम है भविष्य में, जो एक नेशन को एज ए डॉक्टर सर्व करने का जो ड्रीम उसके मन में है, या पेरेंट्स का जो एक अपनी ख्वाब है या उसकी तमन्ना है कि उसका बेटा या उसका बेटे उसके बेटे डॉक्टर्स बने, तो मैं चाहूंगा सबका फुलफिल हो, इंडिया में भी सीट से, अगर इंडिया में आपको मिलता है बहुत अच्छी बात है, इंडिया में नहीं मिलता तो बहुत बेहतरीन कॉलेजे बहुत सारे कंट्री में है, आप सर्च कीजिए, उसके बारे में जानिए, सुनिए, समझिए, और फिर डिसाइड कीजिए कि आपके बच्चों को कहाँ और किस देश में और किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि मेडिकल के अलावा आपके बच्चे के लिए कैरियर नहीं है, मेडिकल पढ़ने के बाद ही आपका बच्चे का कैरियर बनेगा, ऐसा नहीं है, आप इसके अलावा भी बहुत सारा एलाइड मेडिकल के सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें भी आपके कैरियर अपॉर्चुनिटी उतना ही है जितना एक मेडिको का है,
आपके बहुत सारे नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आप जाइए। इस पे हम आगे एक लाइव करेंगे कि अगर मेडिकल मुझे एमबीबीएस नहीं मिला या नहीं पढ़ने की इच्छा है और मुझे मेडिकल फील्ड में ही काम करना है तो कई ऐसे आयाम है इसके जिसपे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके लिए अलग से एक हम लाइव करेंगे एक्सपर्ट को लेके। तो आप जुड़े, मनीष ने अपना बहुमूल्य समय दिया और बांग्लादेश के बारे में बहुत अच्छा बताया उन्होंने, हर चीज को कोशिश किया और दिल हर चीज को खोल के बातें करने की कोशिश हुई। मुझे लगता है जहां तक मुझे समझ में है हम कोशिश किए कि आपके सवालों का जवाब दे सके। अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर इसको देखें, इस पेज को लाइक करें, फॉलो करें और जो भी आपके मन में ऐसी इंफॉर्मेशन की जरूरत है या चाहते हैं कि इस पे कुछ बातचीत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। हम उसमें कोशिश करेंगे जो भी हमारे टीम है या जो भी एक्सपर्ट है उसको लेके आपकी बातों को वहां तक पहुंचाएं और उनसे जवाब लेने की कोशिश करें। ये हमारी निरंतरता हमेशा रहेगी, कंटिन्यूएशन में हम चलते रहेंगे। आपका प्यार, आपका इस तरह से चीजें मुझे स्नेह मिलता रहे इसके लिए बहुत बहुत आभारी रहूंगा। और आप लोगों ने जितना देखा और जितने मन से सुना आप सभी को दिल से बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, थैंक यू। इसी के साथ मैं मनीष को भी शुक्रिया बोलूंगा क्योंकि मनीष ने काफी अपना बिजी शेड्यूल से समय निकाला और बांग्लादेश के बारे में काफी बृहद चर्चाएं हुई। तो मैं चाहूंगा, काफी लंबा हो रहा है, इसी के साथ मैं इस लाइव को खत्म करूं और फिर अगले दिन कल ही दूसरे टॉपिक पे मेडिकल से रिलेटेड, नॉन मेडिकल से रिलेटेड जो भी एजुकेशन सेक्टर की चीजें हैं उस पर मैं लाइव हूँ, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा लाइव होने से पहले। और आपका साथ इसी तरह से बना रहे। जय हिंद, जय भारत। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें।